गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज से करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें बेसिकली हम लोग एनवायरनमेंट का करंट अफेयर करेंगे, ठीक है, आज से। और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल रहेगा, है ना, यूपीएससी के कारण से। यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए सारा चीज़ पढ़ेंगे कि उसको इस टाइप से करेंगे कि अपना यूपीएससी का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाए, आपको और ज़्यादा पढ़ना ना पड़े और ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए करेंगे, ठीक। सबसे पहला टॉपिक देखिए, ये जो करंट अफेयर कराया जा रहा है वो लगभग सभी जितने भी सोर्स हो सकते हैं, है ना, करंट अफेयर के, और सारे सोर्स को स्टडी करके, रिसर्च करके आप तक पहुँचाया जा रहा है ना। तो उसको मतलब हम हर टाइप के सोर्सेज को देख के आपके लिए जो भी चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको हमने फाइंड आउट करके आप लोगों के पास रखेंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर का सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग देख रहे हैं वो ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन, इसको टू लिख लेते हैं, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अभी ग्रीन हाइड्रोजन के लिए मिशन अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसी पे रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये है क्या ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है ये देख लेते हैं। तो देखिए नाम में इसके क्या लगा है, ग्रीन, इसको हरित हाइड्रोजन कहते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया मिशन लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने अभी कुछ समय पहले, तो उसी पे बेस्ड हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन इसको क्यों कहा जाता है इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये हाइड्रोजन बनेगा कैसे उसको देख लेते हैं, है ना। इसमें अपना पानी को लेते हैं, ठीक है। अब पानी को किसी भी चीज में अपने उसमें जब हम लोग विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी जब उससे प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया में क्या होता है कि H2 अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल प्रक्रिया है, इस पे हमको जाने की जरूरत नहीं। हमको समझना यह है कि ग्रीन हाइड्रोजन है क्या। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है कि जब अगर इस प्रक्रिया इलेक्ट्रोलाइसिस की जो प्रक्रिया है ना, अगर ये प्रक्रिया पूर्णतः क्या हो, रिन्यूएबल सोर्सेस के माध्यम से अगर किया गया हो, रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करके इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया पूर्ण की गई हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इससे जो हाइड्रोजन बनेगा उसको हम लोग कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछने की संभावना रहेगी कि ये ग्रीन हाइड्रोजन है क्या, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन में क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस की जो प्रक्रिया है उसमें हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का अगर उपयोग कर रहे हैं तब जो हाइड्रोजन बन रहा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन कैसे यूपीएससी पूछा है पहले भी, जैसे आप लोगों आप यूपीएससी ने 2017-18 में क्वेश्चन पूछा था कि जैव ईंधन बनाने की प्रक्रिया में या जैव ईंधन जो होते हैं उसमें किसी भी प्रकार का कार्बन उत्सर्जन होता है कि नहीं होता है, मतलब उसमें शून्य कार्बन उत्सर्जन हो रहा है क्या, ऐसे करके, ठीक है। तो यहां पर भी पूछ सकता है कि इस प्रक्रिया में यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें जीरो हाइड्रोजन जीरो कार्बन है ना उत्सर्जन हो रहा है क्या, ऐसे करके, ठीक है। तो यहां पर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग तो करते हैं लेकिन वो लो कार्बन इमिशन भी हो सकता है उसमें, इसको आपको ध्यान में रखना है। यही पूछेगा अगर पूछेगा एग्जाम में तो, ठीक है। स्टेटमेंट बनाएगा कि ग्रीन हाइड्रोजन जब हम बनाते हैं है ना उस प्रक्रिया में इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया में जीरो कार्बन उत्सर्जन होता है, सिर्फ जीरो कार्बन उत्सर्जन होता है, ठीक है, ऐसा वो स्टेटमेंट बनाएगा। तो वो स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि कार्बन उत्सर्जन जीरो हो रहा हो, वो लोएस्ट हो सकता है, बहुत कम हो सकता है, न्यूनतम हो सकता है, लेकिन वो जीरो नहीं होता है। ये बेसिक ये स्टेटमेंट समझ में आ गया, ठीक है। इसके पूछने की संभावना सर्वाधिक रहेगा अगर ये ग्रीन हाइड्रोजन पूछता है तो, ठीक है। अब ग्रीन हाइड्रोजन के लिए जो गवर्नमेंट, ग्रीन हाइड्रोजन समझ में आ गया सबको, ग्रीन हाइड्रोजन क्या चीज है। ग्रीन हाइड्रोजन में हम लोग
पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, है ना, उसके बाद जो हाइड्रोजन बनता है H2O2 में अलग हो जाता है, यानी कि पानी का जो भी प्रोसेस है वो, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया में। और ये इसके इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करते हैं, ठीक है, सामान्यतः। तो ये क्या बनेगा, ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा। जो हाइड्रोजन बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे, ठीक है। और इसमें कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है क्या, ऐसे करके पूछेगा तो वो गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। कार्बन उत्सर्जन उसमें शून्य नहीं होता है, लोएस्ट हो सकता है, न्यूनतम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन की प्रक्रिया में जो रिन्यूएबल एनर्जी हम लोग यूज कर रहे हैं या जिससे रिन्यूएबल एनर्जी बना रहे हैं, उसमें कहीं कार्बन उत्सर्जन हुआ रहा होगा। जैसे सोलर पैनल से आपने बनाया, ठीक है, तो सोलर पैनल के कोई भी चीज बनाए को बनाने की प्रक्रिया में कुछ कार्बन उत्सर्जन हुआ होगा, तो वो हम काउंट कर लेते हैं। इसलिए जो एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट आएगा तो वो गलत रहेगा, ठीक है, और ये पूछने का संभावना रहेगा अगर ग्रीन हाइड्रोजन पूछता है तो, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है ग्रीन हरित हाइड्रोजन के लिए, जो पॉलिसी बनाई है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 2025 तक, है ना, ये जुलाई है, जुलाई 2025, जुलाई याद रखने की जरूरत नहीं है, 2025 से पहले अगर कोई भी ग्रीन हाइड्रोजन के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, ग्रीन हाइड्रोजन के डेवलपमेंट के लिए, तो उसको 25 साल तक के लिए इलेक्ट्रिसिटी फ्री प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी फ्री प्रोवाइड करने का पॉलिसी गवर्नमेंट ने दिया है, ठीक है। इसके अलावा इसको मतलब जो भी बताया जा रहा है उसको लिखते चलिए थोड़ा थोड़ा, है ना, तो जो है आसान रहेगा, ठीक है। ये हो गया अपना 25 साल का प्रोजेक्ट का, ठीक है। इसके अलावा क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन के साथ ग्रीन अमोनिया, ठीक है, ग्रीन अमोनिया के लिए प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च मतलब सहायता प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ठीक है। तो अमोनिया भी बनेगा इसी से, इससे हाइड्रोजन से, जो हाइड्रोजन यहां से निकला है, ठीक है, वो नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनेगा, अमोनिया बनाएगा, ठीक है। अब ये अगर ये हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से बना है, तो जो हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से बना है अगर वही का यूज किया जा रहा है इसके साथ अभिक्रिया कराने के लिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रीन है, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, ग्रीन क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा, ठीक है। और अमोनिया का यूज किस चीज के लिए करते हैं हम लोग जनरली, अमोनिया का यूज यूरिया, यूरिया बनाने में, है ना, उर्वरक उद्योग में, अपना फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। देखिए हमने क्या किया, ये हाइड्रोजन जो ग्रीन हमने बनाया है उसी हाइड्रोजन को हमने क्या किया, अमोनिया बनाने के लिए यूज किया, ठीक है। तो अमोनिया बनाने के लिए जब हम लोग इस हाइड्रोजन का यूज करेंगे तो वो क्या, उसके बाद जो अमोनिया बनेगा वो क्या बन जाएगा, ग्रीन अमोनिया बन जाएगा, ठीक है। इस प्रक्रिया में भी अगर एक्सट्रीम स्टेटमेंट आया कि ग्रीन अमोनिया क्या होता है, उसमें उसके उत्पादन में किसी भी प्रकार का कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है, शून्य होता है, अगर ऐसा स्टेटमेंट आएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। कुछ बुक्स में, कुछ बुक्स नहीं बोलूंगा, कुछ नोट्स में जो अभी संस्थानों के आए हुए हैं उसमें क्या है, ये इस एक्सट्रीम स्टेटमेंट को दिया गया है। तो मैंने बहुत रिसर्च करके इसमें निकाला है कि वो स्टेटमेंट अगर होगा तो वो गलत निकलेगा, क्योंकि लो कार्बन रहता है, ठीक है। और अगर ये पूछेगा तो फिर कंफ्यूजिंग, बहुत सारे जो है यूपीएससी पूछ दिया मान लो, तो बहुत सारे कोचिंग संस्थान अलग अलग आंसर भी देंगे, ठीक है, क्योंकि सब अलग अलग खुद अपने नोट्स में दिए हैं तो अलग अलग आंसर भी सब देंगे, तो उस वो एक दिक्कत रहता है जो आप लोग देखते होंगे, आंसर जब आता है तब, तो उसमें बहुत मतलब रिसर्च करके किया गया है। बाकी आप लोग अपने स्तर में जो आंसर लेना चाहें वो अपने स्तर में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया समझ में आ गया, ठीक है, अमोनिया और ये हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का एक बेसिक नेचर क्या है इसको देख लेते हैं। हाइड्रोजन
हाइड्रोजन का बेसिक नेचर क्या होता है, ये थोड़ा अदृश्य होता है, मतलब इसका कलर अदृश्य नहीं बोले, कलरलेस कहेंगे, ठीक है, कलर नहीं रहता इसका, रंग रहित है, ठीक है ना। तो उसके आधार पर ग्रीन कलर से कंफ्यूज नहीं करना है, ये ग्रीन कलर का नहीं होता है, ठीक है। ऐसे हाइड्रोजन कलरलेस होता है, लेकिन हाइड्रोजन के लिए दो तीन, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, ग्रे हाइड्रोजन हो गया, इस टाइप के नाम आते हैं, ठीक है। ग्रे हाइड्रोजन है ना, इसमें क्या हो जाएगा कि वो किसी अन्य प्रक्रिया से बना होगा जिसमें कार्बन उत्सर्जन थोड़ा अलग तरीके से होता होगा, तो उसको हम लोग क्या ले लेंगे, ग्रे हाइड्रोजन वगैरह में ले लेंगे, ठीक है। मतलब उसमें बेसिकली कार्बन उत्सर्जन होता है, ज्यादा थोड़े अधिक मात्रा में, ठीक है। तो इस टाइप से है ये। अब ये हाइड्रोजन को हम लोग एक एनर्जी सोर्स के रूप में क्या कर रहे हैं, यूज करना चाहते हैं। तो एनर्जी सोर्स के रूप में हाइड्रोजन को क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं, इसके क्या रीजंस हैं, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो मतलब ये अपना हाइड्रोजन है, इसको हम लोगों को यूज करना है एज एनर्जी सोर्स। 2013 तक, इस 2030 में हम लोग इसको सर्वाधिक मात्रा में, मतलब 40% एनर्जी है ना घरेलू आवश्यकता का, वो हम लोग हाइड्रोजन से पूरा करने का प्रोग्राम बनाए हैं, बना रही सरकार। लेकिन इसमें समस्या क्या है कि इसको हम लोग नहीं यूज कर पाते हैं, ठीक है। एक तो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया क्या है, थोड़े महंगी प्रक्रिया है, ठीक है, उसमें कास्ट ज्यादा आता है, ठीक है। और क्या रीजन है, आप लोग हाइड्रोजन का नेचर अगर जानते होंगे तो और क्या रीजन है, थोड़ा बहुत किसी को पता है। हाँ, बहुत ज्वलनशील है, कंबर्शन इसका बहुत तेज है, मतलब बहुत ज्वलनशील पदार्थ है ये, ठीक है। तो ज्वलनशील है और इसका ट्रांसपोर्ट का टफ है, टफ टास्क है ट्रांसपोर्ट करना, क्योंकि ज्वलनशील है इसलिए ट्रांसपोर्ट टफ है, ठीक। स्टोरेज स्टोरेज भंडारण कठिन है, ठीक है, कॉस्टली होता है, महंगा होता है, ये सब कारण। मतलब इसको ऐसे पूछ सकता है ना आप लोगों से कि भाई ऐसे क्या कारण है जिसके कारण से हम भारत के पास ऐसी क्या समस्याएं हैं जिसके कारण से हम ग्रीन हाइड्रोजन को एज अ एनर्जी सोर्स हम यूज नहीं कर पा रहे, ऐसे पूछता है ना कभी कभी। जैसे कार्बन का पूछा था कि भारत के पास ऐसे क्या समस्याएं हैं जिसके कारण से हम जो है आधुनिक समय में कार्बन उत्सर्जन से रिलेटेड समस्याएं झेल सकते हैं कार्बन के सिक्वेस्ट्रेशन में, तो तकनीक वगैरह नहीं है, इस ये उसका आंसर था। वैसे ही यहां पर भी पूछ सकता है, ठीक है। तो चीजों को थोड़ा मतलब ध्यान में इसको भी रख लीजिएगा कि हाइड्रोजन का क्या अपने पास प्रॉब्लम है जिसके कारण से हम नहीं यूज कर पाते हैं हाइड्रोजन को, ठीक है, एज ए एनर्जी सोर्स, ठीक। ये समझ में आ गया, ठीक है। अगला टॉपिक करते हैं, लिख लिए इसको, इतना है, मतलब जितना भी चीज जो बताया जा रहा है वही उतना ही रहेगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। उस पूरे आपको पूरा जो करंट अफेयर का जो टॉपिक रहेगा उसमें उतना इंपॉर्टेंट चीज रहेगा, तो उसको ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं, चीता से रिलेटेड पढ़ लेते हैं, ठीक है। चीता का तो हम लोगों ने, मतलब आप लोगों को तो पता ही होगा ये पूरा इसके बारे में, बाकी इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग कहाँ से चीता ला रहे हैं, नामीबिया, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया दो कंट्री से हम लोग ट्राई किए थे लास्ट में, अभी नामीबिया से है ना हम लोग चीता लाए हैं, अभी तो 8 लाए हैं, है ना, ठीक है। कहाँ लाए हैं, कौन से जगह में, कूनो नेशनल पार्क है ना, ये कहाँ है, एमपी में, ठीक है, एमपी में है, ठीक है। श्योपुर, श्योपुर वाला जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये है, ठीक। अब चीता से रिलेटेड चीजों को जान लेते हैं, है ना। तो नामीबिया से हम लोग लाए हैं, है ना, कूनो नेशनल पार्क में लाए हैं, मध्य प्रदेश के स्थान। अब कूनो से रिलेटेड एक बैकअप स्टोरी क्या है कि कूनो में ही हम लोग गिर का जो एशियाटिक शेर है
उसको भी हम लोग यहाँ रिवाइव करने वाले थे, है ना? याद है, पता है कि नहीं पता है? कूनो में ही करने वाले थे ना, एशियाटिक शेर को भी। एशियाटिक शेर कहाँ पाया जाता है? गिर नेशनल पार्क में। वहां से हम यहाँ उनको लाने वाले थे। 2012-13 तक चला था ये प्रोग्राम, है ना? उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको लाने के लिए बोला था, लेकिन गुजरात वालों ने लास्ट में मना कर दिया था। मतलब मना नहीं किया है, अभी उनको आदेश दिए हैं, अभी तक वो बहाना बनाते रहते हैं कि हमारे पास ये समस्या वो समस्या है। लेकिन हम बाहर से चीता ला सकते हैं, भारत से भारत में एक जानवर नहीं लेके जा सकते। कितना मतलब बड़ा दिक्कत है कि नहीं? तो कूनो में है ना? अब कूनो से हम लोग थोड़ा चीता का भी देख लेते हैं, फिर आगे कूनो के बारे में और जानेंगे, ठीक है? कूनो जो चीता है ना, ये दो टाइप के हैं, एक एशियाटिक है ना, एशियन, और एक अफ्रीकन, ठीक है? एशिया वाला चीता भारत वगैरह सभी देशों में पाया जाता था पहले, ठीक है? अब वो कहाँ पाया जाता है? सिर्फ ईरान में, है ना? ईरान बस में पाया जा रहा है, ठीक है? और इसकी स्थिति क्या है? क्रिटिकली इंजेंडर्ड, ठीक है? सीआर है, ठीक है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्थिति में है ये एशियाटिक वाला, ठीक है? ये आप लोगों को पता होगा। अफ्रीका वाले का क्या स्थिति है? वल्नरेबल है, ठीक है? ये भी आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना? अब इसका कूनो के बारे में जो बेसिक है उसको देख लेते हैं, ठीक है? ये चीता वाला एरिया हो कंप्लीट होता है ना? कूनो में हम लोगों ने ट्राई किया था गिर नेशनल पार्क से शेर, एशियाटिक शेर को लाने का, ठीक है? अब कूनो ऐसा क्या है? कूनो ऐसे जगह पे है कि इस पे जो सभी प्रकार के जो बिल्लियां हैं, यानी कि बड़े वाले शिकारी बिल्ली है ना, वो इस जगह में पाए जा सकते हैं। क्या क्या पाए जा सकते हैं? टाइगर यानी बाघ, ठीक है? और शेर है ना, चीता और तेंदुआ, ठीक है? सामान्यतः इनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि जिस जगह में बाघ पाए जाते हैं उस जगह में तेंदुए नहीं पाए जाते हैं, सामान्य प्रवृत्ति, ठीक है? लेकिन ये ऐसा जगह है जहां पर ये चारों एक साथ कभी पाए जाते रहे, ठीक है? और पाए जा सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये नहीं है कि ये अभी पाए जा रहे हैं, अभी की स्थिति में नहीं पाए जा रहे ना, है ना? कौन सा नहीं पाया जा रहा है? शेर, शेर यहाँ नहीं पाया जा रहा है अभी की स्थिति। तो जो अभी करंट अफेयर के जो नोट्स आए हैं उसमें थोड़ा सा क्या है कि कुछ जगहों पे ये मिस्टेक लिख दिए हैं कि ये चारों एक साथ, एकमात्र विश्व में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर ये चारों एक साथ पाए जाते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। तो गलत स्टेटमेंट है, ये चारों विश्व में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर ये चारों एक साथ पाए जा सकते हैं, ठीक है? क्या हो सकते हैं? पाए जा सकते हैं, क्योंकि शेर तो अभी पाया ही नहीं जा रहा है। शेर कहाँ है? सिर्फ गिर में है ना, गिर नेशनल पार्क में। ये कूनो में तो नहीं पाया जाता है ना? तो हम लोगों ने लाने से मना भी कर दिया था, अभी तक तो लाए नहीं, शिफ्ट नहीं किए। तो थोड़ा इसमें क्या है कि स्टेटमेंट में आप नोट्स वगैरह पढ़ेंगे ना, उसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट में इधर उधर किए हैं, तो उसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है? तो इससे रिलेटेड एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि लास्ट जो चीता का डेथ कहाँ हुआ, का जो मानते हैं कि कहाँ हुआ है ऐसे करके, तो लास्ट चीता का जो डेथ हुआ है वो छत्तीसगढ़ में कोरिया डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है? कोरिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। कोरिया डिस्ट्रिक्ट के राजा रामानुज प्रताप ने लास्ट 3 चीता का शिकार किया था, ऐसा दावा किया जाता है। को स्टेट पीएससी वगैरह के लिए ध्यान में रख लीजिए, यूपीएससी में शायद ही ऐसा पूछेगा, लेकिन फिर भी स्टेट वगैरह में पूछे। हाँ, 1947 में किए थे, 1947 में छत्तीसगढ़ में कोरिया डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है? वहाँ के मतलब किंग राजा रामानुज प्रताप ने किया था, ठीक? ये ध्यान में रखिएगा। चीता से रिलेटेड इतना है। चीता से रिलेटेड क्या क्या हमने देखा?
ये हमने नामीबिया से लाया है ना। और कुनो नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर बाघ, शेर, चीता और तेंदुआ चारों पाए जा सकते हैं, ठीक है। चारों की पाए जाने की संभावना इस जगह पे, मतलब उनको रखा जा सकता है, ठीक है। अभी की स्थिति में क्या नहीं पाया जाता है? तो एशियाटिक शेर नहीं पाया जाता है, ठीक है। और लास्ट चीते का जो शिकार कहाँ हुआ था? कोरिया में हुआ था, ठीक है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में रामानुज प्रताप ने 1947 में किया था। पीएससी वगैरह के लिए याद कर लीजिए, ठीक है। और ये कुनो नेशनल पार्क का अगर बेसिक हम लोग देखें तो उष्णकटिबंधीय टाइप के वन है इसमें, ठीक है। पतझड़ वाले है ना। एमपी का आप वो देख लीजिएगा कि किस प्रकार का उसमें वन वगैरह पाए जाते हैं, तो वही वन यहाँ पर कुनो में मिलेगा, ठीक है। उष्णकटिबंधीय थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये सब भी पूछ देता है तो उससे रिलेटेड, ठीक है। अब अगला हम लोग देखेंगे यूएन कॉन्फ्रेंस का से रिलेटेड एक टॉपिक है, उसको देखेंगे, ठीक है। यूएनसीसीडी के बारे में जानते हैं? यूएनसीसीडी क्या है? कॉम्बैट टू डिजर्टिफिकेशन, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इससे रिलेटेड है तो उसको देखेंगे, और है ना। तो सबसे पहले कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इन्वायरमेंट को के प्रोटेक्शन के लिए पहला विश्व समुदाय ने कॉन्फ्रेंस कब किया था? 1972 में, है ना, स्टॉकहोम में, ठीक है। 1972 स्टॉकहोम में पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसको क्या कहते हैं? उसका नाम क्या है? यूएन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन, ठीक है। इस पे 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के जगह में यूएन करके कॉन्फ्रेंस, इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन करके लिख देगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए बता दे रहा हूं नाम उसका, ठीक है। यहां पर भारत से प्रतिनिधि गए थे, ये सबको पता है ना। एकमात्र प्रधानमंत्री पूरे विश्व की कौन गई थी? भारत से गई थी, इंदिरा गांधी, ठीक है। इसी कॉन्फ्रेंस की याद में 1992 में हमने कॉन्फ्रेंस किया, कौन सा? रियो, है ना। इसको अर्थ सम्मेलन भी कहते हैं, अर्थ समिट भी कहते हैं, साथ में और क्या कहते हैं इसको? यूएनसीईडी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, ठीक है। ये नाम याद रखेंगे क्योंकि ये पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इस कॉन्फ्रेंस में, है ना, तीन चीजों पे बात की गई। क्या क्या? क्लाइमेट चेंज, है ना। एक क्या हुआ? क्लाइमेट चेंज। दूसरा क्या हुआ? बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, ठीक है। और थर्ड क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें हम लोगों ने इस वाले में किसका डेवलप किया? यूएन CCCC, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और इधर के लिए क्या क्या था? नागोया, कार्टाजेना, ये सब, ठीक है। नागोया, कार्टाजेना याद है ना, है ना। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक प्रकार से यूएनसीसीडी आता है, ठीक है। अब यूएनसीसीडी के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। ये बैकअप था, बैकअप स्टोरी था, ठीक है। अब इधर को हम लोग अगर करंट में आएगा तो इधर का पढ़ेंगे, अभी यूएनसीसीडी देखेंगे, ठीक है। तो यूएनसीसीडी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉम्बैट टू डिजर्टिफिकेशन, ठीक है। ये 1992 के अर्थ समिट में इसके बारे में बातचीत की गई थी। 1994 में क्या हुआ था? इसका स्थापना हुआ, है ना, इसको हम लोगों ने स्थापित किया, ठीक
है। अब ये क्या है कि ये किसके लिए है, तो लैंड के डिग्रेडेशन यानी कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए ये एक समझौता है, ठीक है। और ये क्या है, इसकी स्थिति क्या है, बाइंडिंग है, लीगली बाइंडिंग है, ठीक है। कानूनी रूप से ये क्या है, बाध्य है, लीगली बाइंडिंग समझौता है, ठीक है। अब इसका हर 2 साल में इसका होता है बैठक सम्मेलन, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। इसका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ है 15, ठीक है, कहाँ पे, कोटे कोटे डी आइवर, ठीक है। ये कहाँ है, अफ्रीका, अफ्रीका का ये यहाँ कहीं पे, ठीक है, आबिदजान में हुआ है, मतलब उसकी राजधानी है कोटे डी आइवर की, इस क्षेत्र में पाया जाएगा, अगर देखेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। आबिदजान उसकी राजधानी, COP 15 हुआ है, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या क्या किया है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक। तो COP 15 में हम लोगों ने कुछ घोषणाएं की हैं, आबिदजान घोषणा कहते हैं जिसको, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है, तो ये है मतलब जेंडर इक्वलिटी को लाने के लिए, ठीक है। जेंडर इक्वलिटी किसमें, इस क्षेत्र में, ठीक है। यूएनसीसीडी से रिलेटेड जो चीज है, यानी कि भूमि के संरक्षण, यानी कि लैंड को बचाने के लिए जो भी है ना, उसमें जेंडर इक्वलिटी को लाना है, ठीक है। तो वो घोषणा क्या कहलाएगा, आबिदजान, ठीक है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। और इसमें जो 2030 तक हम लोग, यानी 2030 तक, ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन को क्या करेंगे, शून्य करेंगे, इसके बारे में बोला गया है, मतलब इसका उन्होंने जारी किया है निर्देश, ठीक है। और ये हम लोगों के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी शामिल है, 2030 तक हम लोग लैंड लैंड डिग्रेडेशन को क्या करेंगे, जीरो करेंगे, ठीक है। इसमें ड्रॉट लैंड करके है ना, ड्रॉट लैंड करके इसका योजना है ना, ये किस चीज के लिए है, लोगों को जागरूक करने के लिए है, वैश्विक समाज को जागरूक करने के लिए, क्या किसके प्रति, कॉम्बैट टू डेजर्टिफिकेशन, है ना, यूएनसीसीडी और मरुस्थलीकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ड्रॉट लैंड का, मतलब ड्रॉट लैंड करके अभियान जारी जो है इसका, ठीक है, अभियान इन्होंने चालू किया है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो एक और डाटा है वो उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, है ना, LDN फंड, ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन फंड, LDN करके फंड है इसको। ठीक है, फंड वगैरह के बारे में पूछता है ना यूपीएससी, ठीक है, तो उससे रिलेटेड है ये, है ना। तो ये फंड बेसिकली इसको इस ये किस चीज के लिए है इसको समझ लेते हैं, है ना। तो ये जो भी लैंड डिग्रेडेट हो रहा होगा, है ना, तो यानी कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए ये सहायता प्रदान करेगा, ठीक है। और ये गवर्नमेंट को प्रदान करने वाला सहायता ही नहीं है, मतलब है ना, एकमात्र कि गवर्नमेंट बस को दे रहे हैं, ये किसी को भी ये सहायता प्रदान कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट एंटिटी हो, है ना, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे गवर्नमेंट हो, किसी को भी दिया जा सकता है, ठीक है। सामान्यतः इस टाइप के जितने भी फंड होते हैं उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, वर्ल्ड बैंक,
सामान्यतः इसका वर्ड बैंक नहीं कर रहा है, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इसका वर्ड बैंक नहीं कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड बैंक नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि सामान्यतः वर्ड बैंक करता है और वो लोग वर्ड बैंक करता है करके क्वेश्चन बना के पूछ देंगे और वह वहां पर हम लोगों के लिए क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। और ये फंड प्राइवेट एंटिटी को दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, ऐसा करके वो लोग स्टेटमेंट बनाएंगे, जनरली वैसे ही बनाते हैं। ये प्राइवेट एंटिटी को भी मिल सकता है, यानी कि आप हम कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, इस टाइप का इसमें से हेल्प, ठीक है। तो ये LDN फंड के बारे में इतना ही है बेसिकली, जिसको जानने का जरूरत है ना। और बाकी अगर आप लोग बोलेंगे तो कौन सा संस्था इसका एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, उसका मैं नाम बता दे रहा हूं, है ना, मिरोवा करके, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म मिरोवा, ठीक है, ये इसका एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, ठीक है। और उसके साथ कोलैबोरेशन में है नाटिक्सिस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, वो नाम ऐसा बहुत सारा दे के कंफ्यूज करने का रहेगा, तो उसके लिए बस ध्यान में रख लीजिए, है ना। बाकी ज्यादा इसमें और कुछ नहीं है जानने के लिए, ठीक है। और अगर इसको लॉन्च कब किया गया है, तो COP 13 में लॉन्च किया गया है, ठीक है, COP 13, इसके 13 ना, इसके COP 13 में, ठीक है, कहाँ, चाइना में, चाइना में हुआ था, ओडोस चाइना, ठीक है, तो उसको ध्यान में रख लीजिए, ज्यादा और कुछ इसमें LDN फंड के बारे में ज्यादा नहीं। LDN का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, इसका फुल फॉर्म लैंड डिग्रेडेशन नेचुरल लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी ऐसे करके, ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। ये SDG के कौन से नंबर में है लैंड के बारे में, 15 नंबर, SDG याद करा देंगे, 15 में सारे याद करा देंगे कल वल, है ना, ठीक है, तो हो जाता है उसमें उत्तर में। ये हो गया हमारा टॉपिक UNCCD से रिलेटेड, है ना, COP 15 हुआ है, कहाँ हुआ है, अबिजान कोटे DIY, ठीक है, कहाँ है, अफ्रीका में है, ठीक है। तो इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, सस्टेनेबल सिटी, है ना, SCIAP का प्रोग्राम है, है ना, सस्टेनेबल सिटी के लिए, ठीक है, SCIAP सस्टेनेबल सिटीज इंटीग्रेटेड अप्रोच पिलॉट, ठीक है, पायलट, सस्टेनेबल सिटीज इंटीग्रेटेड अप्रोच पायलट, SCIAP, ठीक है, सतत शहर समेकित दृष्टिकोण प्रायोगिक, हिंदी में सतत शहर समेकित दृष्टिकोण प्रायोगिक, ठीक है, ये यूनेडो, है ना, यूनेडो और UN हैबिटेट, ठीक है, यूनेडो, UN हैबिटेट और भारत का शहरी विकास मंत्रालय, ठीक है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन इंटीग्रेटेड, ये यूनिडो का फुल तो एग्जैक्ट मेरे याद नहीं आ रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिडो और UN हैबिटेट, ठीक है, ये दो के साथ अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन, ठीक है, इसके कोलैबोरेशन में ये भारत में स्टार्ट किया गया है, ठीक है, भारत में स्टार्ट किया गया है। इसका फंडिंग कौन कर रहा है, तो इसके लिए फंडिंग है GEF, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, GEF, ठीक है,
इसके तहत हो रहा है, जीएफ के तहत। ठीक है, इसमें भारत के 5 सिटीज को रखा गया है। कौन कौन से हैं वो देख लीजिए, एक है जयपुर, ठीक है, दूसरा है भोपाल, और आंध्र प्रदेश की 2 सिटीज हैं, ठीक है, विजयवाड़ा और गुंटूर। ठीक है, विजयवाड़ा, गुंटूर और कर्नाटक का मैसूर, कर्नाटक का मैसूर। ठीक है, ये सिटीज को इसमें शामिल किया गया है। इसकी फंडिंग कौन कर रहा है? जीएफ कर रहा है। ठीक है, और ये इतना ही याद रखना था, यूनिडो याद रख लीजिएगा और यूएन हैबिटेट। ठीक है, यूएन हैबिटेट, यूनिडो और अर्बन मिनिस्ट्री वाला। ठीक है, ये लोग 5 शहर में ये SCIAP प्रोग्राम चालू किए हैं, जयपुर, भोपाल, मैसूर और आंध्र प्रदेश के गुंटूर और कौन सा, विजयवाड़ा। ठीक है, इसमें ये चालू किए गए हैं। ठीक है, तो इतना ही है इसमें, आगे बढ़ते हैं इससे हम लोग थोड़ा सा। ठीक है, विश्व वन स्थिति रिपोर्ट। ठीक है, वर्ड सोको कहते हैं, सोफो कहते हैं इसको, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट। ठीक है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व वानिकी कांग्रेस के दौरान जारी किया गया है। ठीक है, FAO ने जारी किया है। ठीक है, किसने जारी किया है? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका क्या होता है, हर 2 साल में इसका बैठक होता है। ठीक है ना, तो इसने कुछ, इसके जो रिपोर्ट है उससे रिलेटेड कुछ रिपोर्ट का हम लोग पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं कि इससे रिलेटेड रिपोर्ट में उन्होंने क्या दिया है। ठीक है, तो उनके अनुसार क्या, ये क्या बोलता है, विश्व वन स्थिति के बारे में बात हो रहा है ना, वर्ल्ड फॉरेस्ट के बारे में। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में अभी कितना परसेंट वन है? 31%। ठीक है, 31% के आसपास फॉरेस्ट है ना, और इस फॉरेस्ट में का सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहां पाया जाता होगा है? नहीं, कौन से क्षेत्र में बोल रहा, मतलब विश्वत वाला कि उसने कटिब, मतलब पोषण, हाँ, तो ये विश्वत में सर्वाधिक पाया जाता है ना। ठीक है, अब कंट्रीज कौन कौन से होंगे, कंट्रीज नहीं, अफ्रीका तो ऐसे कंट्रीज में बात करते है ना, कौन से कंट्रीज में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट होगा? नहीं है, रसिया में सर्वाधिक है ना। ठीक है, तो रसिया हो गया, फिर उसके बाद ब्राजील। ठीक है, रसिया, ब्राजील, उसके बाद कनाडा, तो ये 3 तो याद ही रख लीजिए, फिर यूनाइटेड स्टेट है, उसके बाद चाइना है, रसिया, ठीक है, ब्राजील, कनाडा, ठीक है, USA और उसके बाद चाइना। इसमें आप लोगों को सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि सर्वाधिक, मतलब सबसे ज्यादा वन कौन से एरिया में पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय वाले यानी विश्वत वाले रीजन में पाया जाता है या ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, ये ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, बाकी रशिया, ब्राजील, कनाडा, इसमें घटता क्रम है ये। ठीक है, और फॉरेस्ट रिपोर्ट की, मतलब ये सोफो कौन जारी करता है, तो FAO जारी करता है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े, ये हो गया
45% फॉरेस्ट है अपने ट्रॉपिकल वाले रीजन में, पूरे वर्ल्ड का 45% ट्रॉपिकल वाले रीजन में है। ठीक है, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी देखेंगे, नेशनल बायोफ्यूल। ठीक है, पॉलिसी ये 2018 में आया था, है ना, बायोफ्यूल ठीक है। क्या है ये बायोफ्यूल? बेसिकली बायोफ्यूल मतलब जैव ईंधन है क्या, है ना, जैव ईंधन है क्या? ये जैविक संसाधनों से बनता है ना, यानी कि किसी भी प्रकार के जो कार्बनिक तत्व रहे हो, है ना, कार्बनिक जो भी चीजें रहे हो उससे बना है ये। ठीक है, उससे बनता है। फोसाइल फ्यूल नहीं, कार्बनिक का मतलब तो फोसाइल अलग टाइप, फोसाइल तो जीवाश्म ईंधन हो गया। ठीक है, ये कार्बनिक मतलब लाइफ, जिसमें लाइफ रहा हो, है ना, जिसमें जीवन रहा हो, जिसमें कार्बनिक तत्व तो है। ठीक है, वो उससे बनता है। ठीक है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं ये? कोई भी जिसमें लाइफ रहा है, ठीक है ना, जिसमें, क्योंकि लाइफ रहा है यानी क्या होता है, पूरी प्रक्रिया, एक तो सूर्य प्रकाश आया, है ना, सूर्य प्रकाश वो कहाँ पहुंचा, प्लांट्स में, है ना, पेड़ पौधों में। ठीक है, यहां क्या हुआ, सूर्य प्रकाश का प्रकाश संश्लेषण हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ, और उस फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, बायोमास जनरेट होता है, बायोमास बनता है। ठीक है, वो बायोमास में क्या होता है, वो कार्बन जो वायुमंडल में या अन्य पर्यावरण में होता है उसको एब्जॉर्ब करके वो बायोमास में कन्वर्ट करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में। ये बायोमास ही क्या बनता है, जैव ईंधन बनता है, बायोफ्यूल। ठीक है, ये बायोमास को ही हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, जैव ईंधन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बायोफ्यूल में। तो बायोफ्यूल समझ में आ गया है ना। अब जो ये बायोफ्यूल से रिलेटेड हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसको हम लोग देखेंगे, है ना, मतलब ये तो समझ में आ गया ना कि ये बनता कैसे है, इसमें कार्बन कार्बनिक चीजें हैं। ठीक है, कि लाइफ, जिसमें लाइफ रहा होगा उन चीजों से ये बनना है। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन का कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। ये अभी पूछा नहीं है, पूछा है थोड़ा सा, हल्का सा टच किया है, एक बार पूछा है, जैसे गेहूं के टूटे हुए दाने, चावल, इन सब से बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसा करके इसको समझते जाएंगे, क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन पहली पीढ़ी क्या बायोफ्यूल, मतलब टोटल हम लोग के पास चार पीढ़ियां हैं अभी तक, है ना, फोर्थ जनरेशन तक, मतलब 4G जैसे मोबाइल यूज कर रहे हैं वैसी इसका भी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो खाद्य वस्तुएं हैं, है ना, फूड प्रोडक्ट से हम लोग क्या बनाते हैं, ईंधन बायोफ्यूल बना रहे हैं। ठीक है, जैसे इसमें हम लोग जैसे भुट्टा वगैरह का, है ना, उसको ले लिया। ठीक है, और गन्ने वगैरह की चीजों, मतलब गन्ने में जो है ना, चीनी जिससे बन रहा है उसको हमने यूज कर लिया। ठीक है, खाद्य पदार्थ जो रहे हैं उनसे हम लोग बना सकते हैं क्या, जैव ईंधन, बायोफ्यूल। ठीक है, तो ये फर्स्ट जनरेशन हो गया। फर्स्ट जनरेशन में हम लोग किसका उपयोग कर रहे हैं, खाद्य पदार्थ, फूड प्रोडक्ट, फूड वाले चीजों से हम लोग क्या बना रहे हैं, जैव ईंधन बना रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट जनरेशन कहलाएगा। अभी हम लोग जनरली इसी का यूज करते हैं। अभी इसमें समस्या क्या हो रहा है कि हम लोग जो फूड है उसको यूज करते हैं। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, फूड का यूज कर रहे हैं, यानी कि हाँ,
जो लोग हैं भारत में इतनी जनसंख्या, उनके लिए क्या पड़ जाएगा? फूड, भोजन की कमी पड़ जाएगी, शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाएगा। इसलिए ये क्या है, दिक्कत वाला चीज है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकंड जनरेशन में। ठीक है, सेकंड जनरेशन में क्या होता है कि जो खाद्य स्रोतों से तो नहीं बनाते हैं, है ना, गैर, इसमें नॉन फूड आ जाएगा। ठीक है, इसमें जैसे कि जो एग्रीकल्चर से जो चीजें निकल रही हैं, जैसे भूसा वगैरह, जानते नहीं, है ना, उन सब, पराली हो गया, है ना, उन सब का यूज करके हम लोग लकड़ी के कुछ टुकड़े, लकड़ी का जो भी अंश है ना, फसलों के अवशिष्ट हैं, जो वेस्टेज है फसल के, जो पैरा वगैरह जिसको बोलते हैं, पराली जिसको कहते हैं, जिसको जलाया जाता है ना, इन सब से हम लोग क्या बनाएंगे, बायोफ्यूल बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड जनरेशन का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नॉन फूड आ जाएगा यहाँ पर, नॉन फूड। ठीक है, थर्ड जनरेशन में, ठीक है, थर्ड जनरेशन में क्या आएगा, थर्ड जनरेशन में हम लोग काई वगैरह, शैवाल, अलगाई का यूज करके बनाते हैं। ठीक है, किसका यूज कर रहे हैं, अलगल जैव ईंधन, इसको अलगल जैव ईंधन भी कहते हैं। ठीक है, अलगाई वगैरह का यूज करके हम लोग जैव ईंधन बनाएंगे, बायोफ्यूल बनाएंगे, तो बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, थर्ड जनरेशन। ठीक है, ये हो गया शैवाल, शैवाल वगैरह से। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में क्या आता है इसको देख लेते हैं, फोर्थ। ठीक है, अब यहां पर हम लोगों ने जो अलगाई वगैरह से बनाया है थर्ड जनरेशन में, उसको हम लोग अधिक उत्पादन के लिए इंजीनियर कर दिए, उसमें मॉडिफिकेशन कर दिए। ठीक है, तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब क्योंकि हमको ज्यादा चाहिए ना, ज्यादा भाई, इस अगर शैवाल में 1 KG बायोमास है मान लो, ठीक है, तो उसको हमने क्या कर दिया कि उसको इंजीनियर कर दिया, और उसमें हम लोग चाहते हैं, क्योंकि बायोमास जितना होगा उतना ज्यादा एनर्जी जनरेट होगा, बायोफ्यूल उतना ज्यादा बनेगा। ठीक है कि नहीं, है ना, तो हम लोगों ने इंजीनियर करके उसको 2 KG में पहुंचा दिया। ठीक है, ठीक, कि अलगाई में बायोमास का जो भंडारण है या है ना, वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो वो क्या बन जाएगा, वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, फोर्थ जनरेशन का कहलाएगा। ठीक है, यूज हम अलगाई ही कर रहे हैं लेकिन इंजीनियर। ठीक है, ठीक है, या अलगाई यूज की या फीड स्टॉक जो भी यूज कर रहे हैं, वो इंजीनियर्ड अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो फोर्थ जनरेशन का कहलाएगा। ठीक है, कुछ भी, हाँ, सेकंड जनरेशन वाले को भी यूज कर सकते हैं इंजीनियर करके, थर्ड और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को हमने इंजीनियर करके बनाया, तो अगर अगर हमने इंजीनियर किया है तो वो क्या कहलाएगा, फोर्थ जनरेशन कहलाएगा। इंजीनियर का मतलब समझ रहे हैं ना, उसमें मॉडिफिकेशन करके उसको अधिक उत्पादन के लिए अगर हमने बना दिया तो। ठीक है, अब जो नेशनल बायोफ्यूल का जो पॉलिसी था, उसमें हम लोगों ने ये रखा था कि दो, क्या लक्ष्य रखा था याद है क्या किसी को, क्या टारगेट था, है कुछ, 2030 तक, है ना, हम लोग इथेनॉल, मतलब जो बायोफ्यूल का जो है मिक्सचर करेंगे किससे, पेट्रोल डीजल वगैरह में, है ना, वो 20% करने का था, कब तक, 2030 तक। उसको हम लोगों ने टारगेट को कम कर दिया है, अब क्या कर दिया है, ये 2025-26, है ना, 2025-26 तक में ये टारगेट को कंप्लीट करने का जो है नया हमने टारगेट बनाया है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो ये बायो फ्यूल जो होता है उसको हम लोग एथेनॉल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो पूछने की संभावना होगी वो इसको पूछने का होगा। ठीक है, कि ये है क्या, इसके बारे में, इसलिए इसको हम लोग एथेनॉल वगैरह भी मतलब बोलते हैं, है ना, और ये है क्या,
ये अल्कोहल के रूप में भी यूज होता है, अल्कोहल अल्कोहल के रूप में भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। इथेनॉल, इथेनॉल को हम लोग किसके रूप में यूज करते हैं, अल्कोहल के रूप में भी यूज करते हैं, ये ध्यान में रखेंगे कि यानी कि जिसको हम लोग फ्यूल के रूप में यूज कर रहे हैं वो एज अ अल्कोहल भी यूज होता है, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखेंगे। बाकी E20 याद रखेंगे, E20 है ना, यानी कि 20% हम लोग एथेनॉल मिक्स कर रहे हैं किसमें, पेट्रोल में, ठीक है। और इसका टारगेट क्या कर दिए हैं, पेट्रोल डीजल दोनों में है शायद, ठीक है। तो 2025-26 तक का ये लक्ष्य रखा गया है। अब न्यू न्यू टारगेट क्या है, 2025-26 का तक का, ठीक है। ठीक, ये हो गया। ऐसे जैव ईंधन से रिलेटेड जो बेसिक है वो 2001 में हम लोगों ने पहले पेट्रोल में मिक्स करने के लिए स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने डीजल 2000 आगे डीजल में किया, 2002-03 में परसेंटेज बढ़ाते गए। अब जो है 26-27 तक 20% का, और नेक्स्ट टारगेट भी बना दिया गया है 2030 तक के लिए 40% का, ठीक है। वो आगे के करंट अफेयर वगैरह में आएगा तो उसको देखेंगे, है ना। अभी के में उसके बारे में ज़्यादा नहीं दिया है, बाकी है 20%, 40% है, ठीक है। बाकी प्रधानमंत्री जीवन योजना भी इसी से रिलेटेड है ना, जैव ईंधन से रिलेटेड, जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए, है ना। उसको गवर्नमेंट पॉलिसीज वाले चैप्टर जब पढ़ेंगे तो देखेंगे, ठीक है, अभी उसको नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक है। पीएम कुसुम, पीएम कुसुम, क्या है पीएम कुसुम, सोलर पैनल के लिए, ठीक है। इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, इसको पहले समझ लेते हैं, ठीक है। जो स्टेटमेंट्स आते हैं यूपीएससी में उसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन इसमें जनरेट कर रहा हूँ, उसमें बताना, ठीक है, कि पीएम कुसुम का जो योजना है सोलर पैनल, ठीक है, उसको कौन कौन लगा सकता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है ये है कि पीएम कुसुम योजना में जो सोलर पैनल है वो कौन कौन लगा सकते हैं, मैं बोलते जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे जो किसान है ना, फार्मर्स हो गए, ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, एक हो गया फार्मर, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। दूसरा है पंचायत, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो गया पंचायत तो, ठीक है। और इसमें आगे जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, FPO, ठीक है, FPO जानते हैं ना, FPO के बारे में जानते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनता है, मतलब उन लोगों के आपसी सहयोग से बनते हैं। क्या ये सारे जितने मैंने बोले वो जो है पीएम कुसुम के तहत ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं क्या, क्या ये स्टेटमेंट सही, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि ये जो सोलर पैनल है ना, उसको कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है इसके बारे में, ठीक है। तो उसमें जैसे कृषि भूमि है ना, इसमें लगा सकते हैं, दलदली भूमि, बंजर भूमि, ठीक है,
परती भूमि, ठीक है, और एग्रीकल्चर, जहां पर एग्रीकल्चर किया जा रहा है उस फॉर्म में, मतलब उसके ऊपर। क्या क्या बोला मैं? परती भूमि मतलब जिसको यूज नहीं किया जा रहा है वो वाला लैंड, ठीक है, परती भूमि, बंजर भूमि, जहां पर उत्पादन ही नहीं होता है वो लैंड, ठीक है। और जो है दलदल भूमि, ठीक है, जहां पर हम लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो वाला जगह, इसमें हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं ये सोलर पैनल। ये दो स्टेटमेंट हो गए, ठीक है। अब बताओ कि दोनों सही हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है? मतलब एग्रीकल्चर है ना, लिख दूं क्या? एग्रीकल्चर भूमि है ना, परती भूमि, ठीक है, और बंजर भूमि, ठीक है, बंजर, दलदली भूमि, ठीक है, और जहां पर हम लोग एक जो कृषि कर रहे हैं वो वाला जगह, कौन से जगह में हम पीएम कुसुम का जो है जो सोलर पैनल है उसको लगा सकते हैं? एक स्टेटमेंट ये हो गया, और कौन लगा सकता है ये स्टेटमेंट है। दोनों सही कैसे हैं? नहीं, वो सनलाइट का कॉन्सेप्ट तो नहीं है, मतलब इसको मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि तो वहां देखो ये तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब उसमें क्या करेगा पता है, ये जो एग्रीकल्चर फॉर्म वाला जो है ना, एग्रीकल्चर भूमि, ये इसको वो थोड़ा बहुत इधर उधर करेगा, क्योंकि हम लोग वही कंफ्यूज करते हैं कि एग्रीकल्चर फॉर्म, क्योंकि भाई एग्रीकल्चर जहां कर रहा है वहीं पर अगर वो लगाएगा सोलर पैनल को, तो हम लोग क्या सोचेंगे कि तो फिर उसका नुकसान हो रहा है कि नहीं? जहां पर आप उत्पादन कर रहे हैं वहीं पर अगर लगा रहे हो तो नुकसान होगा, ऐसा सोच सकते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट बना सकता है इस पे, ठीक है। और दूसरा यहां पर तो क्या है कि ये किसान भी आ गए हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी आ गए हैं, इंस्टीट्यूशन भी आ गए हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी आ गए हैं, पंचायत भी आ गए हैं, तो वहां पर आपको कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दे सकता है, ठीक है, इधर उधर करके। तो उस ऐसे जब स्टेटमेंट वो देते हैं ना, तो वहां पर क्योंकि जनरली स्टेटमेंट वो बनाता ही है ऐसा कि हम कंफ्यूज करें, तो इसको थोड़ा एकदम अच्छे से अगर आप ध्यान में रखेंगे तो यहीं से बनेगा, अगर इसको पूछेगा तो स्टेटमेंट यहीं से बनेगा, यही ही पूछेगा, अगर पूछेगा तो इसी में से ही कुछ स्टेटमेंट को इधर उधर करके पूछेगा। पीआईबी अगर आप उठाएंगे तो ये दोनों स्टेटमेंट सबसे टॉप में अलग से दिया हुआ है, अगर आप पीआईबी फॉलो करेंगे ना तो ये दोनों स्टेटमेंट को अलग से टॉप में दिया हुआ है, बाकी अंदर में क्या दिया उसको एकदम छोटे छोटे अक्षरों में दिया, इसको बड़े बड़े अक्षरों में अलग से लिखा है, समझ रहे? तो यहाँ ये स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है दोनों स्टेटमेंट का, ठीक है। तो ये जो पीएम कुसुम से रिलेटेड है उसमें ये दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखेंगे, बाकी जो है तो फॉर्मर प्रो जो है इसमें क्या है कि हम लोगों ने थ्री टाइप से सिस्टम बनाया हुआ है घर इसमें, है ना, कि जो है इसका यूज करके हम कैसे कैसे जो सोलर पैनल का यूज कर सकते हैं, या पंप जो है सोलर पंप है उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होगा उसको उसमें बनाया गया है, बताया गया है, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें क्या है कि एक तो आप ग्रिड कनेक्टेड है, ग्रिड कनेक्टेड का क्या मतलब होता है कि जो आपने उत्पादन कर रहे हैं है ना, उसको हम लोग पूरे जो कंट्री का आज का नेशन पूरे देश भर का ग्रिड को कनेक्ट कर दिए ना, सारे जितने इलेक्ट्रिसिटी वाले ग्रिड होते हैं, ठीक है, चाहे ईस्ट हो वेस्ट हो, सबको क्या कर दिया है, जोड़ दिए हैं, और हर एक लाइन को चाहे यहाँ पर कहो हर एक एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर आप क्या है, आप सोलर पैनल में स्वतंत्र रूप से भी तो उत्पादन कर सकते हैं ना, है ना, तो उसको क्या है ग्रिड से कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि उसका जो उत्पादन हो रहा है वो उस ग्रिड में भी चले जाएगा, तो उसको पैसे भी मिल जाएंगे, ठीक है, और जब उसका अगर उत्पादन नहीं हो रहा है तो वो ग्रिड से ले भी लेगा, ये दोनों सिस्टम हो जाएंगे, ठीक है। एक ये ग्रिड कनेक्टेड हो गया, एक नॉन ग्रिड कनेक्शन भी है, ठीक है, जिसमें सिर्फ सोलर पैनल रहेंगे, मतलब जो अपना पंप रहेगा वो जब उसको चालू कर दिए अपना वो पंपिंग कर रहा है ना, और थर्ड में उसको मतलब बढ़ावा देने के लिए योजना है, तो
उतना उसमें जाने का जरूरत नहीं, आप ये दोनों चीजों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है? ठीक, है, आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया, इसमें ये पीएम कुसुम में इतना ही इसको ध्यान में रखेंगे, यही पूछेगा भी तो यही पूछेगा, यूपीएससी पूछेगा तो इन्हीं चीजों पे टारगेट करता है, तो उसको आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोल गैसिफिकेशन, ठीक है, कोल गैसिफिकेशन, कोयला का गैसीकरण। कोल गैसिफिकेशन, ठीक है। अब कोल गैसिफिकेशन क्यों हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्यों हम कोल गैसिफिकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, को गवर्नमेंट इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा है, ठीक है? तो ये है क्या, ये इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं कि जो कोयला है ना, जो कोल है उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है? क्यों इसमें कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इससे जो अगर हम लोग कोयले को गैस में कन्वर्ट कर दिए तो उससे जो उत्सर्जन है या प्रदूषण है वो कम हो जाता है, इसको क्लीन मतलब इससे ज्यादा साफ स्वच्छ क्लीन एनर्जी के रूप में लिया जाता है गैसीकृत कोल को, ठीक है? ये हमको ध्यान में रखना है। अब इसको करते कैसे हैं इसको देख लेते हैं, ठीक है? तो इसके इन सीटू दो टाइप्स हैं, है ना, इन सीटू और एक्स सीटू। क्या क्या टाइप है, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू में हम लोग क्या करते हैं, इन सीटू में हमने क्या किया कि जहां पर माइनिंग हो रहा है कोल का, वहीं पर हम कोयले का गैसीकरण किए, कोयले को गैस में कन्वर्ट किए, जहां पर माइनिंग हो रहा है वहीं, ठीक है, इन सीटू में। और एक्स सीटू में क्या करेंगे, कोल को बाहर में निकाल के गैसीकरण करते हैं, कोल को मतलब अपना माइनिंग कर लिया, उसके बाद बाहर में अब हम लोगों ने उसका गैसिफिकेशन किया, ठीक है? अब इसको करते कैसे हैं उसको देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे जैसे ये माइनिंग का है स्थान, है ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये यहां पर मतलब कोयला है पूरे में, ठीक है, इसमें हम पानी मतलब पानी H2O और ऑक्सीजन भेजेंगे, ठीक है, पानी और ऑक्सीजन, ठीक है, ये भेजेंगे अंदर में, और उसके बाद उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, हीट अप करेंगे, ठीक है? हीट करने के बाद वो क्या है, गर्म जैसे जैसे होते जाएगा जल वाष्प के साथ वो मिक्स होके मतलब कोयला उसमें घुल के क्या बन जाएगा, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? इस प्रक्रिया से हम लोग क्या करते हैं, कोयले का गैसीकरण करते हैं। इसमें बनता क्या क्या है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसमें बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, क्या क्या गैस बनता है उसको लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये पूरा मिश्रण होता है, मतलब मिक्सचर होता है, ठीक है, और इसी को कहते हैं हम लोग सीन गैस। इसको क्या कहते हैं, सीन गैस। सीन गैस में क्या क्या का मिक्सचर है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन और CO2, ये तीनों के मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, सीन गैस कहते हैं, ठीक है? तो ये तो समझ में आया ना कि कोयले का गैसीकरण क्या है, ठीक है, कोयले को हम लोग क्या कर रहे हैं, कोयले को कोल के फॉर्म में नहीं यूज करके हम लोग किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं, गैस के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लोग एनर्जी मतलब जो कोयले को यूज करते हैं उसके जगह में हम लोग कोयले का गैस को यूज कर रहे हैं। अब ये गैस बनाया कैसे गया है, तो इसको हम लोग ने पानी उसमें और ऑक्सीजन का ट्रांसफर करके उसको हीटअप किया है, हीटअप करने के बाद वो जो कोल है वो उसमें मिक्स हो गया है,
उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीन गैस कहते हैं। तो सीन गैस क्या होता है अगर ये पूछेगा तो ध्यान में रखना, वो कोयले का गैसीकरण वाला गैस है, ठीक है। और उसमें क्या क्या होता है, किसका किसका मिक्सर होता है ये पूछेगा तो ये याद रखिएगा, कार्बन मोनोक्साइड है, CO2 है और हाइड्रोजन है, इसका मिक्सर क्या बनेगा, सीन गैस बनेगा, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब कोयले के जो पावर प्लांट वगैरह होते हैं उसमें जनरली स्क्रबर स्लज निकलता है, ठीक है, एक अवशिष्ट है वो स्क्रबर स्लज, ठीक है। इस प्रक्रिया में ये बिल्कुल भी नहीं निकलता है, ठीक है। यानी कि कोयले का जब हम लोग गैसीकरण कर रहे हैं तो उसमें स्क्रबर स्लज, ठीक है, ये जो अवशिष्ट है या वेस्ट है ये बिल्कुल भी नहीं निकलता है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसको पूछ सकता है स्क्रबर स्लज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोयले का गैसिफिकेशन का, सीन गैस के बारे में थोड़ा सा बेसिक, ठीक है। है ना, इस सीन गैस का उपयोग कहां कहां कर सकते हैं, जिन भी जगहों में कोयले का उपयोग हो रहा होगा वहां वहां कर सकते हैं, जैसे है ना स्टील इंडस्ट्री है, ठीक है, कर सकते हैं कि नहीं स्टील इंडस्ट्री में, है ना। तो ये सब चीज को थोड़ा मतलब ध्यान में रखिएगा कि सीन गैस का कहां कहां यूज कर सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, ठीक। इसका ठीक फार्मास्यूटिकल्स में यूज करते हैं कि नहीं करते, करते हैं सब जगह, मतलब जो जहां कोयले का यूज कर रहे हैं ना वहां वहां इसका यूज कर सकते हैं, जहां आप लोग एनर्जी के लिए कोयल का यहां जहां यूज कर रहे हैं वहां वहां इसको, बस इसमें क्या है कि हमारे लिए थोड़ा क्लीन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोयले को हम लोगों ने गैस के रूप में कन्वर्ट कर लिया है इसलिए, ठीक है। तो अब ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा टॉपिक, है ना। एक है डीप एंड शैलो इकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो गहन और उथला परिस्थितिवाद, इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या, ठीक है। ये मतलब ऐसे चीजों को पूछता है कभी कभी यूपीएससी, इसलिए है ना इसको समझ लेते हैं। वैसे ये उतना टफ भी नहीं है, आप लोग किसी से भी पढ़ते तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो डीप है ना और शैलो, ये है गहन और इसको हिंदी में उथला। इकोलॉजिस्ट मतलब परिस्थितिकीवाद, परिस्थितिकी तो समझ गए सबको पता है ना परिस्थितिकी, ठीक है। अब ये है क्या, देखो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि इसमें सेंटर्ड, सेंटर किसको में किसको रखा जाता है, मनुष्य को, मतलब मानव जाति को अगर सेंटर में रख के योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है तो उसे हम लोग शैलो परिस्थितिकीवाद कहेंगे, ठीक है, है ना। यानी कि हम लोगों ने नेचर से भी ऊपर किसको रखा, ह्यूमंस को रखा, ठीक है। तो शैलो यानी कि ये सोच उथला है, मतलब आप डीप तक सोच नहीं पा रहे हैं, ये सोच को बता रहा है कि आपकी सोच कैसी है ना। तो ये है, जैसे लोग होते हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, है ना, दूसरों के बारे में नहीं सोचते, वैसी टाइप का कॉन्सेप्ट है। मनुष्य है तो अपने बारे बस में सोच रहा है, और किसी इस दुनिया में जितने जीव हैं उन वो सब तो तुच्छ है, उनके सामने उनको कोई मतलब नहीं है, है ना, वो वाला सोच क्या है, तो शैलो कहलाएगा, ठीक है। और जब आप सेंटर में किसको रखेंगे, नेचर को रखेंगे, है ना, तो वो क्या बन जाएगा, डीप, ठीक है। यानी कि आपने सभी चीजों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया, नेचर को दिया। और ये थिंकिंग किस पे आधारित है, इक्विटी पे, सभी को समानता पे आधारित है, सभी जीवों को समान मानना, ठीक है, मनुष्यों को नहीं बल्कि सभी जीवों को समान मानने पर आधारित ये विचारधारा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा पूछ सकता है, इसमें थोड़ा टफ बना के पूछ सकता है इस कॉन्सेप्ट को,
ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि सभी जीवों को समान मानने की बात कर रहे हैं, ठीक है, हर एक जीव चाहे वो छोटा सा छोटा सूक्ष्म जीव ही क्यों ना हो, है ना, सबको हम क्या करेंगे, समान मानेंगे और नेचर को इम्पोर्टेंस देंगे, ना कि मनुष्यों को। इसमें क्या करते हैं, मनुष्यों को पहले रखा जाता है, सेंटर किसको बनाया गया है, मनुष्य को, मानव जाति को, ह्यूमंस को, ठीक है। तो ये हो गया अपना डीप एंड शैलो, ठीक है, ठीक, आगे बढ़े। इसमें समझ लो इगोइस्टिक है, ईगो को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है, मतलब टॉप में हमने किसको रख लिया, मनुष्यों को रख लिया, है ना, तो ये इस टाइप का बनेगा यहां पर मनुष्य, ठीक है। और ये क्या है, इक्वलिटी पे है, तो ये ऐसे बना, ठीक है, तो समझ में आ गया नहीं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोई पीएससी से रिलेटेड चीज के लिए जिसको पूछ सकता है, यूपीएससी में भी तो नहीं पूछना चाहिए। अगला है अपने लिए ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट कौन जारी करता है, WMO, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वैश्विक मौसम विज्ञान संस्थान, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है, क्या जारी करता है, ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, ठीक है। ये रिपोर्ट अभी इन्होंने जारी किया है 2021 में, ईयरली भी और पूरे डिकेड का इन्होंने जारी किया है, ठीक है, यानी कि 10 साल का प्लस ईयरली भी, ठीक है। इसमें बहुत सारे डाटा इसने दिए हैं कि क्या हुआ है वैश्विक स्तर में जलवायु में, जैसे अब टेम्परेचर जो है, मतलब पूर्व औद्योगिक काल से अगर टेम्परेचर को देखा जाए तो 1.11 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ चुका है टेम्परेचर, ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे डाटा दिए हैं, तो वो अपने लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के लिए, ठीक है, बस नाम याद रख लो कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है, क्या जारी करता है, विश्व ग्लोबल जलवायु ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, ठीक है। बाकी जो डाटा है अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं, ठीक है, आगे बढ़ें। एक बना है फर्स्ट मूवर्स कॉलिशन, ठीक है, फर्स्ट मूवर कॉलिशन, ये है क्या, ठीक है, ये भारत इसमें अभी इसमें शामिल हुआ है ना, फर्स्ट मूवर कॉलिशन में भारत शामिल हुआ है, इसके सदस्य बना है, ठीक है। ये ग्लासगो जो अभी हुआ था COP 26, ठीक है, COP 26 में इसको, इससे रिलेटेड हमने योजना बनाई है। ये क्या है, नाम से नहीं समझ में आएगा, है ना, इसमें क्या है कि जो सात प्रमुख जो इंडस्ट्रीज हैं, है ना, वर्ल्ड लेवल में 7 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, कार्बन इमिशन करते हैं, उसमें कार्बन के इमिशन को कम करने के लिए ये योजना है, ठीक है, ये प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें कौन कौन से जो इंडस्ट्री हैं वो क्या क्या हो सकते हैं बताओ, एल्यूमिनियम, है ना, और मतलब स्टील वगैरह वाले, और हाँ, सीमेंट वाला, है ना, कंक्रीट और केमिकल, ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री, और एक एल्यूमिनियम हो गया, दूसरा स्टील हो गया, तीसरा सीमेंट वाले कंक्रीट वाले हो गए, ठीक है, और रसायन हो गया, है ना, केमिकल और एविएशन विमानन, ठीक है, और शिपिंग, ठीक है, शिपिंग, क्योंकि वो जितने पूरा व्यापार तो अपना ट्रेड कहाँ से होना है, समुद्र से होना है, तो शिपिंग, ठीक है, और ट्रक, ठीक है, तो
परिवहन वाले तो सारे शामिल है इसमें लगभग लगभग, है ना। एविएशन भी है ना, शिपिंग भी है और ट्रक भी है, और उसके बाद स्टील है ना, और एल्यूमिनियम है, और केमिकल है, और सीमेंट है। मतलब याद तो हो गया होगा, है ना, उसको याद कर लो चीजों को, क्योंकि वो वहीं से अपने को मिलता है, जो भी पूछते हैं वहीं से पूछ लेते हैं, ठीक है। तो WEF, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, इसने इंडियन के लिए इंडियन सीओ अलायंस, है ना, नेट जीरो इंडिया प्रोग्राम है जो अपना, है ना, उसके लिए इन्होंने बनाया है इंडियन सीओ अलायंस, ठीक है। किसने बनाया है इंडियन सीओ अलायंस? WEF, ठीक है, ये जारी किया है, ठीक, किसने जारी किया है? WEF ने इंडियन सीओ अलायंस जारी किया है, ठीक है। ये नेट जीरो इंडिया, ठीक है, हमने क्या किया है कि नेट जीरो क्या है, कार्बन उत्सर्जन को जीरो जब हम लोग करेंगे, मतलब जितना हम कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं उतना हम क्या करेंगे, उसको भंडारित कर लेंगे, है ना, संचित कर लेंगे या सिक्वेस्ट्रेशन कर लेंगे, तो वो क्या स्थिति होगी, नेट जीरो की स्थिति होगी, है ना। तो इसके लिए उन्होंने WEF ने इंडियन सीओ, मतलब लोगों को जो पर्यावरण से के संरक्षण से रिलेटेड काम में लगे हुए थे हैं, उनको सीओ के रूप में घोषित किया है, ठीक है। बाकी जो इसमें और कुछ ज्यादा जानने का नहीं है, ठीक है, किसने किया है बस ये ध्यान में रखेंगे, ठीक। भारत ने वैसे नेट जीरो का टारगेट कब कर रखा है? 70, 2070, वो लगभग सबको पता होगा, है ना, वो कभी कभी बस भूल जाते हैं, ठीक है। बाकी सबसे ज्यादा जो है सौर यानी कि सोलर पैनल के माध्यम से एनर्जी जनरेशन कौन सा राज्य कर रहा है? राजस्थान, है ना, पता है सबको, हब है वो, ठीक है। अभी जो अब राजस्थान वाला टॉप लिख लो, है ना, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी जो बताऊंगा वो इम्पोर्टेंट है, पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर, ये पूछने के चांसेस हो सकते हैं, इसको पूछना चाहिए, मतलब नियर फ्यूचर में तो पूछना चाहिए इसको, अभी तक क्या है ये टॉपिक थोड़ा सा छूटा हुआ है, जिसको उनको कवर करने की आवश्यकता है, ठीक है। जैव विविधता रजिस्टर कहते हैं, पीपल बायोडायवर्सिटी रजिस्टर, ठीक है, जैव विविधता रजिस्टर, ठीक है, ये है क्या। एक तो कौन किसने किया है अभी ये रजिस्टर बनाया है उसको जान लेते हैं, कलकत्ता महानगर ने, ठीक है, कोलकाता महानगर में ये बना है, ठीक है, ये है क्या। इसमें क्या होता है कि कोई भी क्षेत्र है या कोई भी एरिया है ना, उसमें जो लोग रहे हैं, लोग रह रहे हैं पीपल्स, ठीक है, साथ में जितने भी बायोडायवर्सिटी है उस क्षेत्र, है ना, जैसे हम लोग जनसंख्या का रजिस्टर बनाते ना, वैसी टाइप का है, समझ लीजिए कि बायोडायवर्सिटी का हम लोग एक रजिस्टर बना रहे हैं, ठीक है। तो वहां लोग, वहां के लोग साथ में वहां पर जितनी बायोडायवर्सिटी है उसका रजिस्टर बनाया जाता है इसमें, पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर में, ठीक है। इसको इसके लिए पावर कहां से मिला है या कौन से एक्ट के तहत है ये? नहीं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है, नहीं, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं, बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002,
ठीक है, बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002, इसको याद रखेंगे, बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002, जैव विविधता रजिस्टर, ये इम्पोर्टेंट है ठीक है बायोडायवर्सिटी एक्ट में, क्योंकि इसके बारे में अभी तक कहीं पे चर्चा नहीं हुई है ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है रामगढ़ का वीरधारी टाइगर रिजर्व, ठीक है ना, कहाँ है ये? राजस्थान में है ना, तो थोड़ा सा इसमें मैपिंग को कर लेते हैं। मैपिंग वैसे आप लोग का इन्वायरमेंट और जियोग्राफिकल मैपिंग अलग से होगा, अच्छे से होगा, लेकिन मैं अभी ऐसी देख लेते हैं ठीक है। रामगढ़ है कहाँ? राजस्थान में है, राजस्थान के नीचे वाले पोर्शन में ही मिलेगा ठीक है। तो इसमें कुछ वो देख लेते हैं, एक तो सरिस्का, सरिस्का नेशनल पार्क है ना ठीक है, राजस्थान में है ठीक है। सरिस्का के नीचे क्या है? रणथंभौर ठीक है, रणथंभौर सही लिखा हूं ठीक है। इससे नीचे क्या है? रणथंभौर से नीचे यहां पर मुकुंद्रा हिल्स ठीक है, मुकुंद्रा हिल्स है ठीक है। मुकुंद्रा हिल्स और रणथंभौर के बीच ये क्या करता है कि बीच में ये रामगढ़ है ठीक है ना, ये दोनों टाइगर रिजर्व के बीच में, ये रामगढ़ टाइगर रिजर्व है ठीक है, और ये बाघ गलियारा यानी कि टाइगर का कॉरिडोर के रूप में काम करता है ठीक है, यहां पर है ठीक। और मुकुंद्रा हिल्स जो है उसके नीचे में बहता है चंबल का नदी ठीक है, चंबल का नदी मुकुंद्रा हिल्स के नीचे में है ठीक है। इतने इसको थोड़ा सा याद रख लेंगे कि अगर पूछता है तो ठीक है, बाकी आजकल इस टाइप का थोड़ा सा अभी नहीं पूछ रहा है ना, कुछ 2 साल पहले तक पूछ रहा था कि कौन सा नदी इसके अंदर से बह रहा है ना, ये सब पूछ रहा था, अभी नहीं पूछ रहा है, फिर भी से ऐसे याद कर लीजिए। तो सरिस्का है ना, रणथंभौर है, उसके नीचे मुकुंद्रा है, और दोनों के बीच में रामगढ़ है, इसका बेसिक ठीक है ना। अब कुछ ही टॉपिक बचे हैं इस जो है इससे रिलेटेड करेंट अफेयर, जो हम लोग अभी मई का करेंट अफेयर कर रहे हैं ना, मई मंथ का ठीक है, जाके आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा, जो भी पढ़ाया गया है तो आप लोग के लिए क्या हो जाएगा, वो आसान हो जाएगा, जितना चीज बताया गया उतने, और कुछ एक्स्ट्रा होगा तो उसको बताइएगा कि हाँ ये भी इम्पोर्टेंट था करके ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम लोग, डार्क स्काई क्या होता है? डार्क स्काई ठीक है, डार्क स्काई वीक मनाया गया है अभी है ना, मतलब मई में मनाया गया था, इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन ने मनाया था, IDA ठीक है, इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन ने मनाया था डार्क स्काई वीक ठीक है। तो क्या है डार्क स्काई? एक्चुअली अब क्या पाया जाता है? लाइट पॉल्यूशन ठीक है, प्रकाश प्रदूषण बहुत ज्यादा पाया जा रहा है कि नहीं? पूरे यहाँ का तो आसमान मतलब देखो तो अच्छा ही नहीं लगता है, लगता है क्या? नहीं लगता, नहीं, धुआं धुआं, उस धुएं में लाइट है ना, तो दिखता है ब्राउन ब्राउन स्काई है, नहीं ब्राउन है क्या स्काई का कलर? नहीं है नहीं ठीक है। तो इसलिए क्या है कि हम लोग मनाते हैं डार्क स्काई के लिए वीक मनाया जा रहा है, ताकि जो डार्क स्काई है, जो ओरिजिनल में जो स्काई है वो हम लोगों को दिखाई दे। जैसे आप गांव अगर गए होंगे तो दिखाई देता है जो आसमान कितना अच्छा लगता है, नींद भी अच्छा आता है, तो वो वाले स्काई के बारे में बात हो रहा है ठीक है। ये जनरली अभी इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं है ना, पहले जब 2014 15 16 में इस टाइप का कोई एसोसिएशन वगैरह होता था
तो उसको पूछ रहे थे फिर भी से, यू अदर स्टेट पीएससी के लिए ध्यान में रख लो कौन सा एसोसिएशन इसको कर रहा है ना, वो क्या है ना, ये एक एनजीओ है ये याद रखना है। आईडीए क्या है, एक एनजीओ है, ठीक है। जल जीवन मिशन पूछा था पिछले बारी है ना, पूछ चुका है, फिर भी इसे थोड़ा सा देख लेते हैं उसके बारे में थोड़ा सा, ठीक। क्या है जल जीवन मिशन, हर घर जल है ना, किसके माध्यम से, नल के माध्यम से, हर घर जल किसके माध्यम से पहुंचाएंगे, नल के माध्यम से, यानी कि हर घर में नल लगाना है, ठीक है, बस इतना है ना, ठीक है। लेकिन इसमें जो याद रखने का चीज ये है कि ये सिर्फ ग्रामीण परिवारों के लिए, ये योजना किसके लिए है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ग्रामीण परिवार। जल जीवन मिशन किसके लिए है, तो विलेज के लिए है, ये याद रखेंगे, ग्रामीण के लिए, शहर के लिए नहीं है ये योजना, ठीक है। और इसमें जो पिछले बार पूछे, अब अगर पूछेगा तो ये ग्रामीण को कनेक्ट करके पूछेगा, बाकी पिछले बार जो पूछा है उसमें ये पूछा है कि ये अपशिष्ट वगैरह को हम लोग रीयूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, है ना, तो उसको हम लोग रीयूज करके जल जीवन मिशन में, मतलब हम लोग रीयूज करने के लिए, मतलब कृषि अपशिष्ट हो गया, घरेलू अपशिष्ट हो गया, और अन्य जो भी प्रकार के अपशिष्ट निकल रहे होंगे उसको हम लोग इसमें उपयोग करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ठीक। इसका लक्ष्य क्या है, 2024 तक है, 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में, हर घर में नल के माध्यम से जल पहुंचाने का ये योजना है, ठीक है। बाकी इसको पूछ चुका है ना, तो इसमें ज्यादा और जानने का नहीं है। एक है हमारे लिए भारत टैप, ठीक है, ठीक है। तो भारत टैप में क्या है इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये है क्या, है? ये भी जल जल संरक्षण के लिए है, पानी के संरक्षण के लिए, वाटर है ना सिक्योरिटी के लिए। क्या करेंगे हम लोग इसमें, इसमें ये टैप का मतलब क्या है, एक प्रकार से ये कैप है, ठीक है। इसमें जैसे फ्लश वगैरह जो यूज होता है उसमें बहुत सारा पानी एक साथ बहुत सारा बहुत ज्यादा यूज हो जाता है, तो उसको कम कम हो उसके लिए ये योजना है कि सोर्स में ही, यानी कि सोर्स में ही हम लोग उसमें कम पानी बहे इसका हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि फ्लश को आपने यूज किया, एक लीटर पानी मान लो जाता हो, है ना, तो उसमें हम लोग ऐसा बना देंगे कि वो इतना यूज हो जाए, मतलब या कम हो जाए और अपना काम भी हो जाए, ठीक है। तो हो सकता है आधे लीटर में हो जाए, है ना, तो इस प्रकार के ये योजना है भारत टैप का योजना, ठीक है। तो ये इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है जो अभी बताऊंगा, वो फॉरेस्ट राइट एक्ट पता है सबको, है ना, हाँ, 2006 फॉरेस्ट राइट एक्ट 006, ठीक है। इसमें एक राइट मिला हुआ है ना, उससे रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे, सामुदायिक वन अधिकार, ठीक है, सामुदायिक वन, ये तो
मतलब अपना फॉरेस्ट राइट एक्ट हो गया, इसमें है ना कम्युनिटी कम्युनिटी रिसोर्स, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स करके अधिकार है, राइट है, ठीक है, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स, सामुदायिक वन संसाधन, ठीक है, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, ठीक है, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट, रिसोर्स राइट है ना, ठीक है, ये संसाधन है क्या, इसको समझ लेते हैं फिर आगे पढ़ेंगे, है ना। सामुदायिक वन हम लोग क्या बोल रहे हैं इसको, सामुदायिक वन, ठीक है, वन संसाधन यानी कि ऐसा क्षेत्र मतलब जंगल के अंदर स्थित ऐसा क्षेत्र है ना, जिसको कोई कम्युनिटी कोई समुदाय जिसमें पूजा पाठ करता हो, उनके ट्रेडिशन से जुड़ा हो, है ना, उनके परंपरागत किसी प्रकार के क्रियाकलाप से जुड़ा हो, तो उसे हम लोग क्या घोषित करेंगे, सामुदायिक वन संसाधन, ठीक है, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स घोषित कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा दो ही क्षेत्रों को घोषित किया गया है अभी तक, एक पहले उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया था, ठीक है, सिमलीपाल में, ठीक, सिमलीपाल क्या है, सिमलीपाल पता है ना आप सबको, है ना, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व है वो, ठीक है, वहां पर घोषित किया गया है। उसके बाद दूसरा अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने घोषित किया है बस्तर में, ठीक है, कहाँ घोषित किया है, बस्तर में, जगह का नाम गोड़िया पदर है, ये नहीं पूछेगा ये जगह, ठीक है, पूछ सकता है तो किसने किया है ना, कि उड़ीसा, दूसरा मतलब उड़ीसा के बाद दूसरा किसने किया है, छत्तीसगढ़ ने किया है, और जो पूछ सकता है वो इसको पूछ सकता है, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स, ठीक है, सामुदायिक वन संसाधन, कौन से एक्ट के तहत है ये, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत, ये याद रखिएगा, क्योंकि इसके बारे में फिर लिख देगा कि कहीं 2002 में है तो कहीं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में है, ऐसे करके नहीं फॉरेस्ट पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में, ऐसे ऐसे कुछ भी लिख देगा, ये ध्यान में रखना कि ये फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत प्राप्त क्या है, राइट है, ठीक है। और बाकी सब तो आप लोग को कि छत्तीसगढ़ ये सब तो याद रहेगा कि पहला उड़ीसा ने जारी किया था, दूसरा छत्तीसगढ़ ने जारी किया है, ठीक है। ठीक, ये समझ में आ गया। अर्बन हीट जानते हैं आप लोग, अर्बन हीट पता है सबको क्या होता है, अर्बन हीट 2013 के मेंस में पूछा था, अर्बन हीट 2013 के मेंस में पूछा, उसके बाद एक बार और मेंस में रिपीट कर चुका है अर्बन हीट को, हीट आइलैंड करके पूछा था, ठीक है, हीट आइलैंड करके पूछा था, तो उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ये भी अर्बन हीट का। तो क्या होता है अर्बन हीट, या शहरी उष्मा द्वीप, या हीट आइलैंड, जो देखो ये है क्या, इसको थोड़ा पहले समझ लेते हैं बेसिक, ठीक है। एक शहर है ना, उस शहर का कोई क्षेत्र है ना, ए क्षेत्र अपने बी क्षेत्र से अधिक टेम्परेचर में रहता है, अपने ही जगह के दूसरे स्थान से ज्यादा गर्मी हो सकता है उस जगह पे, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अर्बन हीट कहेंगे, ठीक है, ये हीट आइलैंड वाले कॉन्सेप्ट में भी है। अब ये होता क्यों है, ऐसा ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है, इसको समझते हैं। तो ये मान लो अपन कंपैरिजन करेंगे ए का, ए से बी का, है ना, तो इसमें हम लोग दोनों दोनों बीच के कंपैरिजन में क्या पाएंगे कि यहाँ पर ज्यादा कंक्रीट हो, इंडस्ट्री हो सकता है, कंक्रीट हो सकता है ना, वहां पर जो एल्बिडो इफेक्ट कम हो, एल्बिडो इफेक्ट जानते हैं ना, एल्बिडो इफेक्ट, एल्बिडो इफेक्ट मतलब पृथ्वी द्वारा सूर्य से आने वाले जो प्रकाश है, लाइट है, उसको कितना वो रिफ्लेक्ट कर रहा है,
ठीक है, वो क्या कहलाता है, एल्बिडो इफेक्ट कहलाता है। तो इन सब चीजों के कारण से क्या हो सकता है, यहां पर टेम्परेचर अपने ही दूसरे स्थान से अधिक हो सकता है। ठीक है, क्या क्या कारणों से हो सकता है, इंडस्ट्री के कारण से हो सकता है, ठीक है, ज्यादा डेंसिटी के कारण से भी हो सकता है, कॉन्क्रीटीकरण के कारण से भी हो सकता है, और एल्बिडो इफेक्ट के कम होने के कारण से भी हो सकता है। एल्बिडो को ध्यान में रखिएगा, एल्बिडो से कनेक्ट करके पूछ सकता है, ठीक है, और बाकी और जो भी रीजंस है उस पर तो आप लोग दिमाग लगा ही लोगे। ठीक है, एल्बिडो से कनेक्ट करके पूछेगा, अगर पूछेगा तो, क्योंकि एल्बिडो या तो ज्यादा होता है या कम होता है, ऐसे करके वो घुमाएगा आपको। ठीक है, तो यहां पर एल्बिडो क्या होगा, कम होगा तब यहाँ पर, क्योंकि एल्बिडो कम है यानी कि अवशोषण वहां एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, उस जगह में एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा है। ठीक है, इसलिए वो हीट को एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहा है, हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो मतलब गर्म ज्यादा होगा। बाकी तो रेडिएशन हो गया है ना, एसी ज्यादा चल रहा है, ये सब अलग कारण हो सकते हैं। ठीक है, वो सब तो अगर रहेगा तो जान ही जाएंगे। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक में एनजीडी एनजीटी पूछ सकता है। एनजीटी एनजीटी के वैसे एनजीटी कई बार पूछ चुका है ना, इस बार क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके पूछने का संभावना क्यों ज्यादा है, क्योंकि इससे रिलेटेड मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में वहां के वकील जो वकील लोग का जो संघ होता है ना, फेडरेशन जो होता है, उन्होंने केस किया था कि एनजीटी के बहुत सारे जो एनजीटी को गलत तरीके से बनाया गया है या ऐसा ऐसा करके। ठीक है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिक को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, वैसे मतलब इससे रिलेटेड बेसिक को डिस्कस कर लेते हैं, इसमें कुछ नया चीज नहीं है। ठीक है, बेसिक में क्या हो क्या है इसका, 2010 में बना था है ना, किस चीज के लिए है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात हो रही है ना, किस चीज के लिए है ये, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, अगर कोई किसी प्रकार का विवाद है तो उसको इसमें लाया जा सकता है। ठीक है, ये किसके तहत काम करता है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत। ठीक है, नेचुरल जस्टिस के लॉ के तहत, सिद्धांत या पॉलिसी जो बोलोगे उसके तहत ये क्या करता है, काम करता है। ठीक है, क्या होता है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, मतलब इसमें जो बेसिक लॉ होता है जुडिशियरी का, जुडिशियल सिस्टम का जो बेसिक लॉ है वो फॉलो नहीं करते हैं, है ना, भारत का सीआरपीसी आईपीसी इसके फॉलो नहीं करके नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत को फॉलो करते हैं, जिसमें मतलब नेचर को प्रमुख माना गया है और नेचर प्रकृति के तहत जो आपको अधिकार मिले हैं, राइट्स मिले हैं, उसके तहत ये कार्यवाही करता है। ठीक है, इसको अपना निर्णय कितने दिनों तक में देना रहता है, 6 मंथ में। ठीक है, बढ़ा भी सकता है कुछ समय के लिए है ना, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकता है, 6 मंथ में इनको अपना डिसीजन देना होता है। ठीक है, इसमें अच्छा, इसके मुख्यालय कहाँ कहाँ है, इसके हेडक्वार्टर हाँ 5 जगह में है ना, कहाँ कहाँ है, एक दिल्ली हो गया, दूसरा भोपाल हो गया, तीसरा महाराष्ट्र में कहाँ है बताओ, पुणे में। ठीक है, 3 हो गए और बाकी 2 तो जान जाओगे। हाँ साउथ में, और एक कोलकाता है ना। ठीक है, तो ये यहाँ अपना क्या बोलते हैं, एनजीटी के हेडक्वार्टर हैं। ठीक है ना, इसमें कितने मेंबर हो सकते हैं, एक चेयरमैन के साथ इसमें 10 से 20 मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, कितने लोग हो सकते हैं, एक चेयरमैन के साथ में 10 से 20 लोग यानी कि 10 से 20 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, इन सदस्यों यानी कि ये जो मेंबर्स हैं उसको किसके
मतलब कौन चयन करता है, कौन इसको मतलब चयन करेगा, ठीक है। तो एक सुप्रीम कोर्ट के जज के चेयरमैनशिप में एक कमिटी बनाई जाती है, किसके, सुप्रीम कोर्ट के जज के चेयरमैनशिप में एक कमिटी बनाई जाती है, ठीक है। वो लोग जो इसके एनजीटी के जो सदस्य हैं उसका चयन करते हैं, ठीक। और आगे देखते हैं कि एनजीटी के जो चेयरमैन हैं वो क्या होने चाहिए, एनजीटी के चेयरमैन रिटायर्ड ही नहीं जरूरी है क्या, पूछ रहा हूं, मतलब है ना, मतलब ऐसा है क्या कि रिटायर्ड ही होने चाहिए, यहीं पर कंफ्यूज करेंगे ना, इसीलिए ही पूछ रहा हूं। नहीं, फील्ड में एक्सपर्टीज, इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजों में एक्सपर्टाइज तो है बहुत सारा, लेकिन मैं चेयरमैनशिप की बात कर रहा हूं। चेयरमैन, चेयरमैन जो है ना, चेयर का जो पद है वो जज के लिए ही है, मतलब वो जज ही होंगे। तो जज होंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि वो रिटायर्ड ही होने चाहिए कि वो मतलब पद में सुप्रीम कोर्ट के जज रहते भी बन सकते हैं, सर्विंग जज, वर्किंग जज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, तो रिटायर्ड हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो वर्किंग या सर्विंग जज भी हो सकते हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो सकते हैं, ठीक है, अध्यक्ष पद के लिए, ठीक है। ठीक है, बाकी जो 10 से जो 20 सदस्य हैं उसमें कुछ जो है जज होते हैं और कुछ जो है एक्सपर्टाइज भी हो सकते हैं, इस फील्ड के विशेषज्ञ हो सकते हैं। इस पूरे हम लोगों ने एनजीटी जो पढ़ा है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछ सकता है वो ये है कि एनजीटी के एक्ट से बना है, 2010 में एक्ट पारित किए थे ना, इस एक्ट के तहत किन किन कानूनों को बाहर रखा गया है, ठीक है। तो एक 1972 के एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को बाहर रखा गया है, ठीक है, 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को बाहर रखा गया है, ठीक है। और फॉरेस्ट राइट एक्ट जो 2006 है उसको भी इससे क्या रखा गया है, बाहर रखा गया है, ठीक है। मतलब इस, इन दोनों से रिलेटेड अगर कोई विवाद है, कोई इन्वायरमेंटल, क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड तो ये भी है, दोनों भी है ना, लेकिन इन दोनों से रिलेटेड जो विवाद हैं वो एनजीटी के दायरे से बाहर रखा गया है, फिर उसमें नॉर्मल प्रक्रिया कोर्ट वाला सिस्टम चलेगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, ऐसा। एनजीटी के पास जुडिशियरी ही तो पावर, जुडिशियल पावर ही तो है, ट्रिब्यूनल है ना, लेकिन इसके पास जो पावर है ना, उसके खिलाफ आप किस में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में। 226 जो आर्टिकल है उसके तहत इसको, इसमें हाई कोर्ट में मतलब इसके खिलाफ अपील हाई कोर्ट में किया जा सकता है, ठीक है, हाई कोर्ट का जो बेंच होगा उसमें, सिंगल वाले में नहीं, ठीक है। ये 226 आर्टिकल वगैरह पता है ना, पॉलिटी से रिलेटेड है, ठीक है, पॉलिटी का के कॉन्सेप्ट पे है बेस, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये इसमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखेंगे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट और 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये दोनों इसमें क्या है, दोनों को इसमें इससे बाहर रखा गया है, ठीक है। आगे बढ़े, ज्यादा हो रहा है क्या, बहुत सारा हो गया क्या, नहीं ना, ठीक है। इथेनॉल के बारे में बता दिया था ना आप लोगों को, इथेनॉल एल्कोहल भी होता है, ठीक है, मतलब उसको पीने के लिए शराब वगैरह में भी यूज होता है, ठीक
है। एथेनॉल का एक चीज और ध्यान में रखिएगा, इथेनॉल ऑक्टेन मतलब एथेनॉल हम लोग जब मिलाते हैं ना, है ना, इथेनॉल को जब हम पेट्रोल में मिलाएंगे तो ये अधिक ज्वलनशील बनेगा, यानी कि ऑक्टेन संख्या बढ़ जाती है, ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, ये भी एक कॉन्सेप्ट को और लिख लीजिए, एथेनॉल जब मिलाया जाता है पेट्रोल में तो उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए पहले क्या यूज करते थे, पहले शीशा लेड, है ना, अब क्या है उसको लेड यूज करना बंद कर दिए पेट्रोल में, है ना, तो अब जो है तो इथेनॉल और बढ़िया चीज हो गया, एक तो ग्रीन भी है मतलब थोड़ा पर्यावरण के अनुकूल भी है ना, प्लस ये क्या है ऑक्टेन नंबर को भी बढ़ा रहा है। ठीक है, एथेनॉल में मतलब एथेनॉल मिक्स करने से पेट्रोल अच्छे से जलता है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट है जिस पे अभी विवाद हुआ है उसको और बता दे रहा हूं, एनजीटी पे हुआ था तो एनजीटी में, ठीक है, और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज है जिस पे संशोधन के लिए जो है लोकसभा में बिल पारित किया गया है वो है बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002। ठीक है, बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002। अभी ये क्या है बिल है ना, लोकसभा में पारित हुआ है, राज्यसभा वगैरह से पारित नहीं हुआ है, तो इसके क्या संशोधन लाए गए हैं उस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रीमियम इंपॉर्टेंट है ही नहीं अपने लिए, है ना, तो इसलिए क्या है कि ये बिल इंपॉर्टेंट हो मतलब ये एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, बायोडायवर्सिटी एक्ट। ठीक है, तो बायोडायवर्सिटी एक्ट को थोड़ा सा देख लेना, है ना, वैसे बेसिक क्या है बायोडायवर्सिटी एक्ट में, ये बायोडायवर्सिटी एक्ट क्यों है, मतलब क्यों भारत में हम लोगों ने लागू किया, क्यों लाए। ठीक है, ये इसका कनेक्शन है 1992 के अर्थ समिट, रियो समिट से। रियो समिट में तीन हम लोगों ने देखा था, उसमें से एक क्या था बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। ठीक है, इस जैव विविधता वाले में हम लोगों के पास क्या क्या है, एक तो नागोया प्रोटोकॉल है और दूसरा क्या है कार्टाजेना प्रोटोकॉल है। ठीक है, इन और भी है, नागोया कुआलालंपुर भी है। ठीक है, इन जो प्रोटोकॉल जो है इनको लागू करने के लिए हम लोगों ने बायोडायवर्सिटी एक्ट मतलब इनमें जो चीजें हैं उसको लागू करने के लिए हमने बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 हम लोगों ने बनाया था। ठीक है, जैव विविधता संरक्षण बायोडायवर्सिटी एक्ट। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी का निर्माण किया गया है। ठीक है, बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी। ठीक है, और एक बनाया गया है स्टेट बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी। ठीक है, और ऐसे ही और नीचे लेवल में म्यूनसिपालिटीज वाला जो है मतलब लोकल लेवल का एक और बना है। ठीक है, इसमें ये क्या करता है, ये राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रयास करेगा, साथ में कोई भी विदेशी नागरिक जो होगा, फॉरेन का जो भी नागरिक होगा, है ना, उनको अगर किसी प्रकार का भारत में रिसर्च करना है ना, तो उसके लिए अनुमति कौन प्रदान करेगा, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी। ठीक है, और कोई भी भारतीय जो नागरिक होंगे उनको अगर अनुमति प्रदान करना है तो वो कौन करेगा, स्टेट बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी करता है। ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखेंगे, और ये इसमें एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, उन सब चीजों के लिए ही ये विदेशी और ये भारतीय नागरिक वाला कॉन्सेप्ट बना है। ठीक है, जैसे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में आके अगर जो है हमारे डिस्कवरी चैनल वालों को किसी शेर को तंग करना है ना, हाथी में बैठ के जाते नहीं तंग करने के लिए, है ना, तो हाथी में बैठ के जाके अगर किसी को तंग करना है किसी शेर को,
तो उसको अनुमति किससे लेना पड़ेगा, एनबीडीए से, है ना, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी से उनको अनुमति लेना पड़ेगा। अगर भारतीय नागरिक तुम जैसे हम जैसे लोगों को अगर किसी शेर को तंग करना है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में जाके, है ना, सोते हुए शेर को जगाना है, फिर उसका वीडियोग्राफी करना है, कुछ रिसर्च करना है, तो उसके लिए अनुमति स्टेट से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। और जो बेसिक होंगे थोड़े बहुत उसको देख लेना, कॉन्सेप्चुअल अगर होगा तो, बाकी ठीक है, इतना इसमें इम्पोर्टेंट था। अब देखेंगे सियोल, सियोल कहाँ है, साउथ कोरिया। ठीक है, तो सियोल घोषणा के बारे में, ठीक है, सियोल घोषणा, सियाल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन, ठीक है, सियाल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन, ये मतलब कहाँ, मतलब सियाल तो पता चल गया कहाँ है। ठीक है, दूसरा ये क्या है, विश्व मतलब वर्ल्ड फॉरेस्ट कांग्रेस हुआ है अभी, ठीक है, कहाँ हुआ, सियाल में, वहां पर वर्ल्ड फॉरेस्ट डिक्लेरेशन, सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन किया गया है। ठीक है, अब ये जो वर्ल्ड फॉरेस्ट कांग्रेस जो है वो क्या है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, विश्व वन कांग्रेस, ठीक है, ये क्या है, कोई गवर्नमेंटल बॉडी नहीं है, ठीक है, कोई इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक, इसको ध्यान में रखेंगे, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, पहला चीज। ठीक है, इसमें तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यानी कि इसमें कोई भी देश का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, किसी भी देश का क्या है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है इसमें, नहीं होते हैं। ठीक है, ये दो चीजें ध्यान में रखेंगे, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है पहला चीज, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक नॉर्मल इंस्टीट्यूशन हो गया। ठीक है, जैसे रामसर है वैसी टाइप का। ठीक है, और दूसरा इसमें किसी भी देश का क्या होता है, प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ठीक है, नहीं, रामसर तो इंटर गवर्नमेंटल है। ठीक है, आईयूसीएन भी है, मतलब अच्छा कोई सा एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है। ठीक है, एनजीओ टाइप का है ये समझ लो, है ना, लेकिन इसमें गवर्नमेंट के का रिप्रेजेंटेशन है, वाइल्ड लाइफ इन, हाँ वो उस टाइप का, क्योंकि उसमें नहीं रहता है। ठीक है, तो ठीक है, ये हर 6 साल में होता है ये। ठीक है, ये कांग्रेस, ज्यादा जानने का उसका जरूरत नहीं। इसमें फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन के लिए घोषणा किया गया, सियाल घोषणा किससे रिलेटेड है, तो फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन, यानी कि जो फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन हो रहा है उसको वापस रिस्टोर करने के लिए इन्होंने डिक्लेरेशन जारी किया है। ठीक है, कि हम लोग फॉरेस्ट का जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसको रोकेंगे प्लस उसका रिस्टोरेशन करेंगे। ठीक है, तो सियोल घोषणा किससे रिलेटेड है, तो फॉरेस्ट के रिस्टोरेशन से है, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। ठीक है, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन। ठीक है, ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक था अपना करंट अफेयर, मई का जो करंट अफेयर है उसमें, है ना, क्या क्या पढ़िए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, शुरू से,
क्या क्या पढ़े, फर्स्ट क्या टॉपिक पढ़े थे, ग्रीन हाइड्रोजन पढ़े थे, है ना। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन आप तुम लोग बताओ क्या है ग्रीन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का पानी में इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बनाते हैं, ठीक है। अगर ये रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करके ये हाइड्रोजन बनाया गया है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे। अब जो ग्रीन हाइड्रोजन है उससे रिलेटेड अगर स्टेटमेंट आ सकता है तो ये आ सकता है कि ये हाइड्रोजन पूर्णतः, ठीक है, बिना कार्बन उत्सर्जन के बनाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या हो है, गलत है, क्योंकि पूर्णतः नहीं, थोड़ा बहुत के माध्यम से भी बनाया बन सकता है, लो कार्बन इमिशन के साथ भी बन सकता है, ठीक है। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन हो गया। ग्रीन हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का बेसिक नेचर क्या होता है, ये कलरलेस है और अधिक ज्वलनशील है, यानी अधिक ज्वलनशील होता है, ठीक है। और क्या है, इसको बेसिकली हम लोग क्यों नहीं यूज कर पाते हैं, स्टोरेज है ना, भंडारण में कठिनाई है, स्टोरेज में और ट्रांसपोर्ट वगैरह में दिक्कत है, इसलिए, ठीक है। इसके लिए जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है अभी 2025 के लिए, वो क्या है, इसको हाँ फ्री 2025 से पहले अगर कोई भी इसको ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए अगर प्लांट डालता है तो उसे बिजली का इलेक्ट्रिसिटी 25 साल के लिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, याद आया, ठीक। और क्या है, इसी के साथ हम लोगों ने ग्रीन अमोनिया देखा था। हाइड्रोजन जो इससे बना है, अगर उसी हाइड्रोजन से अगर हम लोग नाइट्रोजन से मिक्सअप करेंगे तो क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। वो अमोनिया क्या होगा, वो भी अगर क्योंकि रिन्यूएबल प्रक्रिया से बना है, रिन्यूएबल एनर्जी से बना है, तब उसे ग्रीन अमोनिया कहेंगे, ठीक है। वो भी रिन्यूएबल प्रक्रिया से बनना चाहिए ना, तब उसे क्या कहेंगे, ग्रीन अमोनिया कहेंगे। उसमें अगर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग किया गया है तो, ठीक है। अमोनिया किस क्षेत्र में यूज होता है, एग्रीकल्चर में यूज होता है ना, ठीक है। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट टॉपिक। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, चीता, चीता भी पीता है, ठीक है, चीता पानी कम पीता है, ये याद रखना, ठीक है, चीता पानी कम पीता है, ठीक है, उसको कम पानी की आवश्यकता होती है, ठीक। हमने कहाँ से लाया है, नामीबिया से लाया है, ठीक है ना, नामीबिया से 8 चीते लाए हैं। भारत में अंतिम चीता कहाँ मारा गया बोलते हैं, तो कोरिया में, छत्तीसगढ़ के कोरिया डिस्ट्रिक्ट में रामानुज प्रताप सिंहदेव ने अंतिम 3 चीतों का शिकार किया था, ऐसा कहा जाता है ना। किसी पीएससी वगैरह के लिए याद कर लीजिए, यूपीएससी में अगर पूछ लिया तो अलग विषय है ना। फिर कहाँ लाए, कहाँ हम लोगों ने उसको स्थापित किया, कूनो में, है ना, कूनो को, कूनो कहाँ है, मध्य प्रदेश में, श्योपुर, ठीक है। और इसमें ये क्षेत्र ऐसा है जिसमें क्या क्या संभावना है कि सभी कैट प्रजाति के जो भी हैं वो एक साथ रह सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से, टाइगर हो गया, लायन हो गया, लेपर्ड हो गया और चीता, चीता ठीक है, जगुआर क्या कहते हैं, चीता ही कहते, अलग हो गया नहीं, ठीक है। तो ये चारों एक साथ पाए जा सकते हैं, पाए नहीं जाते हैं, ठीक है, पाए जा सकते हैं, ठीक। उसके बाद क्या पढ़े थे, यूएनसीसीडी, है ना, यूएनसीसीडी, यूएनसीसीडी में क्या पढ़े थे, एलडीएन, है ना, एलडीएन पढ़े थे ना, है ना, क्या एलडीएन और आबिद जान घोषणा, है ना। आबिद जान घोषणा में क्या था,
भूमि का जो डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, उसमें जेंडर इक्विटी वाले कॉन्सेप्ट को लाने के लिए था, ठीक है, जेंडर इक्विटी को उसमें शामिल करना, मतलब जेंडर इक्विटी को से रिलेट करके ध्यान में रखना कि अगर पूछेगा तो एकाध बार पूछा हुआ है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, ये घोषणा है क्या, जैसे मेरे ख्याल से संघाई घोषणा पूछा हुआ है, संघाई घोषणा अलग है, वो वुमेन से रिलेटेड है, उसमें भी वुमेन से रिलेटेड है, वो भी 2015-16 का आसपास में पूछा है, ठीक है। तो इसमें एक तो एलडीएन था, है ना, वो क्या है, फंड है, फंड फंड था ना, वो फंड किससे रिलेटेड है, लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड है, और उसमें उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा है, वर्ल्ड बैंक नहीं कर रहा है, जीएफ नहीं कर रहा है ना, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कर रहा है, मोरावे करके है ना, मिरोवा है ना, मिरोवा ये कर रहा है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। और ये किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को भी या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी क्या दे सकता है, फंड प्रोवाइड कर सकता है लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए, ठीक है, सिर्फ गवर्नमेंट तक सीमित नहीं है, ठीक। और क्या पढ़ा था इसके बाद, सस्टेनेबल सिटी, SCIAP है ना, तो ये किसके 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 कोलैबोरेशन में बना है, यूनिडो है ना, यूनिडो है, और यूनिडो और यूएन हैबिटेट है ना, और भारत का अर्बन अर्बन मिनिस्ट्री, ठीक है, ये तीनों के उससे, और इसका फंडिंग कौन कर रहा है, जीईएफ कर रहा है, ठीक है, जीईएफ, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ठीक है, ठीक। कौन कौन से पांच शहर हैं, जयपुर, भोपाल, विजयवाड़ा, कुन्नूर, गुंटूर, ठीक है, और मैसूर, ठीक, ये हो गए। इसके बाद क्या पढ़ रहा था, वर्ल्ड वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट था, है ना, तो इसमें क्या था, सर्वाधिक वन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, रशिया रसिया, कंट्री वाइज है ना, कंट्री वाइज में रसिया दूसरे नंबर पे, ब्राजील तीसरे नंबर पे, कनाडा, ठीक है। पूरे विश्व में वन का परसेंटेज कितना है, 31%। सर्वाधिक वन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, विश्व ट्रॉपिकल वाले में, 45%, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्या पढ़े थे, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018, ठीक है, इसमें जनरेशन वन, जनरेशन टू, जनरेशन थ्री, जनरेशन फोर पढ़े हैं। जनरेशन वन में क्या होता है, फूड प्रोडक्ट को यूज करके, खाद्य पदार्थ को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, जनरेशन वन के बायोफ्यूल बनाए जाते हैं। बायोफ्यूल में क्या होता है, बायोमास को कन्वर्ट किया जाता है बायोफ्यूल में, ठीक है, ठीक है ना, है ना, इसी से बनता है एथेनॉल, ठीक है। अब ये इसमें जनरेशन वन हो गया, जनरेशन टू में क्या है, नॉन फूड प्रोडक्ट, ठीक है, जो गैर खाद्य पदार्थ है उनसे हम लोग बायोफ्यूल बनाते हैं। जनरेशन थ्री में किसका यूज करते हैं, एलगाई वगैरह का, शैवाल वगैरह का यूज करके। जनरेशन फोर में क्या यूज कर रहे हैं, टू और थ्री का इंजीनियर करके, ठीक है, टू और थ्री को अगर हम लोग इंजीनियर, जनरेशन टू और जनरेशन थ्री में जो चीजें हैं उसको इंजीनियर करके अगर हम लोग बना रहे हैं तो, ठीक है। जनरेशन वन में हम लोग पूरे जैसे गन्ने हो गए है ना, गेहूं हो गए, चावल हो गए, भुट्टे हो गए, इन सब का यूज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन तो फिर नुकसान वाला हो जाएगा, उसको शामिल नहीं, कि फोर्थ में बोल रहे हो ना, फोर्थ में सेकंड और थर्ड को करने पे ठीक है, वो फोर्थ नहीं कहलाएगा अगर फर्स्ट को भी कर रहे हैं, क्योंकि आखिर खाने का ही चीज, कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा ही ना। तुम 100 किलो बना लो, 10-20 किलो बनता रहा होगा, उसके जगह में इंजीनियर करके 100 किलो बना लो, फिर भी 20 किलो का तो नुकसान हुआ ना। उस कॉन्सेप्ट से याद रखना कि फर्स्ट जनरेशन को नहीं रखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं नुकसान होगा,
है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बायोफ्यूल बनाने के लिए निर्देश भी दिया था, जो सड़ गल जा रहे हैं हम लोग के, जो हम लोग स्टोरेज जो रखे हैं उसमें अगर कुछ सड़ जा रहा है खाद्य पदार्थ, तो उसका उपयोग करके आप बायोफ्यूल बनाइए करके, ठीक है, पहले दिया था। ठीक है, उसी में टूटे हुए गेहूं जो वाला जो क्वेश्चन आया था ना, उसी से कनेक्ट करके आया था। ठीक है, तो ये बायोफ्यूल हो गया। इसी में बनता है एथेनॉल, इसी को एथेनॉल भी कहते हैं, है ना। E20 का कॉन्सेप्ट दिया है। E20 का मतलब क्या है? 20% एथेनॉल मिक्स करना है ना फ्यूल में, इसका कॉन्सेप्ट दिया है। अब ये 20% का कब कब तक के लिए टारगेट किए हैं? 2025-26 तक। इसको पहले क्या था? 2030 का टारगेट था, उसको 25-26 में ले आए। ठीक है, यही एथेनॉल क्या होता है? एल्कोहल के रूप में भी यूज किया जाता है, कंजम किया जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है? ऑक्टेन नंबर को बढ़ा देता है, यानी ज्वलनशीलता को बढ़ा देता है पेट्रोल के, यानी फ्यूल के। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। इफिशियंसी बढ़ा देता है एक प्रकार से, ऑक्टेन नंबर को बढ़ा देता है। वो थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ऑक्टेन नंबर वगैरह पूछता है। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े? पीएम कुसुम योजना, है ना। उसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था, दो बेसिक कॉन्सेप्ट थे जिसको ध्यान में रखना है, जिसको पूछ सकता है, वो ये है कि कौन कौन पीएम कुसुम योजना का लाभ ले सकते हैं या उसमें सोलर पंप लगा सकते हैं, है ना। और दूसरा ये था कि कौन कौन से जगह में लगा सकते हैं। तो पीएम कुसुम योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है? किसान हो गए, इंस्टीट्यूशन हो गए, पंचायत हो गए, और FPO, है ना, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन वगैरह, ये सब ले सकते हैं। दूसरा क्या था कि कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, है ना। तो एक तो पड़ती भूमि जिसको हम लोग नहीं यूज करते हैं, बंजर भूमि हो गया, है ना, खाली मैदान टाइप, दलदली भूमि हो गया, और एग्रीकल्चर लैंड को भी यूज कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे इसके लिए। क्योंकि तो एग्रीकल्चर लैंड करके लिख के दे देगा ना, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में देगा तो, है ना। अब क्या है, पढ़ लिए तो थोड़ा ध्यान में रहेगा। अपना पढ़ने का रीजन भी यही है कि जहाँ की चीजें, जो इम्पोर्टेंट चीजें जहां पर आपको फंसाया जाता है, वहां पर को अपन हिट हिट करेंगे। वो आप लोगों ने एक बारी सुन लिया, एक बारी पढ़ लिया, हमने बता दिया, तो आप क्या है वहां पर इजिली उसको फिर डील कर पाएंगे। और बाकी क्या है, हमने जितना बताया उसके अलावा आप जब भी पढ़ोगे तो उन चीजों को फोकस करके उठाओगे कि हमको ये करना है, ये नहीं करना है। पढ़ते टाइम में भी तो आप ध्यान दोगे ना उन चीजों को, इसलिए क्या है, अपने लिए इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, आगे बढ़े। आगे क्या है? कोल गैसिफिकेशन, है ना। तो कोल गैसिफिकेशन एक प्रकार से क्लीन एनर्जी है, जिसमें कोयले को हम लोग गैस के रूप में कन्वर्ट करते हैं। इसमें क्या क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और CO2 का मिश्रण बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सीन गैस कहते हैं। ठीक है, ये क्लीन एनर्जी है एक प्रकार से, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कोयले से ज्यादा स्वच्छ है। ठीक है, और इसमें स्क्रबर स्लज नहीं बनता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे क्या पढ़ा? हाँ, गहन डीप एंड शैलो इकोलॉजी। ठीक है, डीप में क्या है, पहले शैलो देख ले। शैलो में क्या है, अगर हम लोग ह्यूमन को सेंटर्ड करके अगर पढ़ते हैं, मतलब ह्यूमन को सेंटर करके पॉलिसी का निर्माण करते हैं या कुछ भी काम करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? सेलो। ठीक है, सेलो पारिस्थितिकी, यानी कि उथला पारिस्थितिकी वाद। ठीक है, और अगर हम लोगों ने नेचर को फर्स्ट रखा, ठीक है, पर्यावरण को, प्रकृति को अगर हमने फर्स्ट में रखा है, तो क्या कहलाएगा? डीप परिस्थिति बात कहलाएगा। इसमें सभी जीवों को समान रूप से समान महत्व, यानी कि इक्विटी की बात की जाती है। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। अगला क्या है? वर्ल्ड ग्लोबल तो कौन जारी करता है ना, उसको देख लेना। हाँ, मूवर्स कोलिशन, है ना। ये COP26 में, यानी ग्लासगो में ये लाया गया था। इसमें क्या है, सात जो बेसिक इंडस्ट्री हैं जो सर्वाधिक
कार्बन उत्सर्जन करते हैं, कार्बन इमिशन करते हैं, उसमें कार्बन इमिशन को कम करने के लिए ये प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें क्या कौन कौन से इंडस्ट्रीज हैं बताते चलो, एल्यूमिनियम, स्टील है ना, उसके बाद केमिकल, सीमेंट, ठीक है, उसके बाद परिवहन वाले जो भी, एविएशन हो गया है ना, शिपिंग और ट्रक, ठीक है, सात हो गए। ठीक, आगे क्या हम लोगों ने पढ़ा, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी है ना, कौन से महानगर ने ये कोलकाता रजिस्टर है ना, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर कोलकाता महानगर ने जारी किया पहली बारी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी बायोडाइवर्सिटी है, एक तो पीपल्स हो गए और उस क्षेत्र में कोई भी एरिया में रहने वाले लोग, और जो बायोडाइवर्सिटी यानी कि फ्लोरा फौना जो भी जिस भी टाइप के पास, उनका रजिस्टर बनाया जाता है, ठीक है ना, तो उसे पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर कहते हैं, ठीक है। ये कौन से एक्ट के तहत है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, ठीक है ना, इसके तहत इसमें पावर मिला है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है, डार्क स्काई वीक, तो ठीक है, आगे रामधर विषधारी नेशनल पार्क, ठीक है, राजस्थान में है, ठीक है। किसके बीच गलियारा बनाता है, ये मुकुंद्रा हिल्स और रणथंबोर, ठीक है, दोनों के बीच का गलियारा बनाता है। मुकुंद्रा हिल्स के नीचे कौन सा नदी बहता है, चंबल, ठीक है, और रणथंबोर के ऊपर में क्या है, सरिस्का, ठीक है। तो ये हो गया, अगर राजस्थान वगैरह अगर या किसी पीएससी में उसको ऊपर से नीचे जो घर अरेंज करने बोल देगा, ठीक है, इसको ऊपर से नीचे अरेंज करो, ठीक। आगे क्या है बताओ, क्या पढ़े, डार्क स्काई हो गया और जल जीवन मिशन किसके लिए है, कौन से, ओनली ग्रामीण है ना, और अपशिष्ट वगैरह जो भी जल है उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन तो पूछ चुका है अपशिष्ट वाला, अभी अगर पूछेगा तो ग्रामीण है कि नहीं है वो पूछेगा, वैसे अब नहीं पूछना चाहिए, 10-10 बार एक ही टॉपिक को पूछने का ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे भारत टैप, तो वो जल स्रोत में ही जल के संरक्षण करने के लिए है, ठीक है, सोर्स में ही कम जल निकले, जैसे नल से निकलने वाले पानी अगर ज्यादा है तो उसको कम कर, धीरे धीरे निकलेगा है ना, तो बहेगा कम, पानी पीने गए सब लोग है ना रेलवे में, बहुत तेज से निकलते रहता तो ज्यादा बहेगा ना, तो धीरे निकलेगा तो कम बहेगा, ठीक है। और फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ठीक है, इसमें तो क्या पढ़े, समुदाय और कम्युनिटी, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स, ठीक है, से रिलेटेड राइट, ये कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट क्या है, ये किसी क्षेत्र में जंगल के अंदर वाले किसी क्षेत्र में लोग अगर किसी प्रकार का ट्रेडिशनल पूजा पाठ या कुछ भी कर रहे हैं, उनके परंपरा संस्कृति सभ्यता से अगर कोई स्थान जुड़ा हुआ होगा तो उससे रिलेटेड ये राइट दिया गया है उसके उपयोग के लिए, संसाधनों के उपयोग के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़े, अगला क्या था, अर्बन हीट, अर्बन हीट तो एक अगर कोई शहर है उसके अंदर में दो भिन्न स्थानों में अलग अलग टेम्परेचर पाया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अर्बन हीट कहेंगे, ठीक है ना। और इसका कारण क्या क्या हो सकते हैं, कॉन्क्रीट हो सकता है ना, किसी प्रकार का इंडस्ट्री वगैरह के कारण से हो सकता है, एल्बिडो इफेक्ट को बेसिकली याद रखेंगे कि एल्बिडो इम्पोर्टेंट है। आगे एनजीटी 2010 में बना था है ना, बाकी इसका जो भी है 1972 एक्ट और 2006 का फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये दोनों को बाहर रखा गया, इसको ध्यान में रखेंगे, बाकी बेसिक है जो भी हमने बताया 2010 के एक्ट का है ना, तो बेसिक का तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, ये भी बेसिक में है ना, तो
सियोल फॉरेस्ट घोषणा है ना, किससे रिलेटेड है? फॉरेस्ट के डिग्रेडेशन वगैरह को रोकने करने के लिए, ठीक है, रोक के हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड। सियोल कहाँ है और इसको कौन, किसने जारी किया? वर्ल्ड फॉरेस्ट कांग्रेस में ये घोषणा किया गया है, ठीक है। 6 साल में होता है ये, ठीक है, एक बारी, नॉन इंटर गवर्नमेंटल है, किसी भी देश के प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। और कुछ और कुछ बचा है? हो गया, ठीक है। मई मंथ का करंट अफेयर था ये कंप्लीट, ठीक है, इन्वायरमेंट का, ठीक है। कल आगे बढ़ेंगे, आगे जो भी होगा, ठीक है। और कुछ इसमें अगर डाउट हो, इससे रिलेटेड कुछ भी जो समझ में नहीं आया हो तो उसको पूछ सकते हो कल। आप क्या है कि एक मंथ का पूरा लगभग इन्वायरमेंट को पढ़ लिए, लगभग समझ लीजिए कि आपको बहुत सारे टॉपिक हमने पढ़ा है, तो आप जो है जाके इसको रिवाइज कर लीजिएगा, जो भी है आपका क्या है, टाइम इससे बचेगा, ठीक है। ये क्या है कि हमको खुद जब पढ़ते हैं ना, फाइंड आउट करने में टाइम लगता है कि क्या है, और फिर ये भी रहता है कि उसमें इंपॉर्टेंट चीजों को हमने स्किप कर गया, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें जो पूछ सकता है यूपीएससी, वही उसी को ही स्किप कर गए, तो फिर अपने लिए क्या हो जाता है, हैवी हो जाता है, वही हम गलती करते हैं, जो हमने स्किप किया वही वो पूछ लेता है। तो एक आइडिया लगेगा कि किसको कौन सा चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किसको हमको इंपॉर्टेंस देना चाहिए, ये आप सीखेंगे। प्लस आपके लिए अब जो है इन्वायरमेंट को कर पाना कम टाइम में, यानी कि आपको करंट अफेयर कम टाइम में हो जाएगा। लगभग अगर हम लोग देखें कि एक बुकलेट में ये कम से कम 30 से 40 पेज का कवर करता है एक बुकलेट में नॉर्मली, है ना, करंट अफेयर का अगर देखें तो वो आपसे 2 आवर्स में हो रहे हैं, 2-2.5 जो भी सवा घंटे, तो आपके लिए बेनिफिशियल है, आप करते तो टाइम लगता, ठीक है। तो उस रूप में ऐसी चलेगा, ठीक है, करंट अफेयर अभी, उसके बाद हम लोग टेस्ट कर लेंगे, फिर उसके चीज़ों को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज यहीं तक क्लास करते हैं, ठीक, थैंक यू।